दिवस का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ सब लोग यहाँ पे। सबको मेरा आवाज सुनाई दे रहा है ना प्रॉपरली? आर यू ऑडिबल? आप अपना थंब रेज करके या वर्चुअल थंब भी आप दिखा सकते हो। और सबसे अच्छी बात है, हमारे 1000 लोग यहाँ पे आ चुके हैं, 1000 अस्मिता यहाँ पे आ चुकी है, तो सबके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा जोन है जहां पे पहली बार अस्मिता का काउंट, जिसमें कोई भी मेल नहीं है, ओनली फीमेल का काउंट आज 1000 को क्रॉस कर चुका है। और यहाँ पे बहुत सारे वेटिंग में भी लोग यहाँ पे खड़े हैं इसमें जुड़ने के लिए, लेकिन यहाँ पे तो फर्स्ट कम फर्स्ट बेस ही होता है, जो पहले आया, इसलिए मैंने आधे घंटे पहले ही विंडो ओपन किया था कि जितना जल्दी हो सके आप लोग यहाँ पे जुड़ जाओ। तो आज के प्रोग्राम की अगर मैं बातचीत करूं, तो ये पूरा वुमन एम्पावरमेंट के ऊपर ये प्रोग्राम है। अभी आपको भी ऐसा लगा होगा कि वुमन एम्पावरमेंट के ऊपर प्रोग्राम है, लेकिन ये प्रोग्राम की शुरुआत तो मेल ने की, मतलब मैंने की। तो मेरे जगह पे ऑलरेडी हमारे एक किंजल मैडम करके है, उनका आज होस्टिंग का था, लेकिन उनकी थोड़ी तबियत की वजह से आज उनका रोल मैं कर रहा हूँ, तो मुझे माफ करना एज ए मेल। लेकिन आप अस्मिताओं के लिए ही ये प्रोग्राम है, तो अस्मिता के बारे में ही आज हम ये पूरे प्रोग्राम में चर्चा करेंगे। एक नारी के लिए ऐसा बोला जाता है कि नारी तू नारायणी, मतलब एक नारी ही ऐसी व्यक्ति है जो सब चीज पॉसिबल कर पाती है, मतलब जन्म भी देती है नारी, और सभी कार्य में हमें सफल पाना है या सफलता मिलनी है तो उसके लिए भी नारी का हाथ रहता है। इसलिए किसी भी सक्सेसफुल मर्द के पीछे, मेन के पीछे भी अगर किसी का हाथ होता है तो वो होती है नारी। मतलब आज हम सुबह उठते हैं वहां से लेके रात को सोते हैं तब तक, मतलब अगर नारी हमारे पास साथ नहीं है तो कोई भी काम है ये पॉसिबल नहीं है। मतलब बच्चों को संभालना, बड़ों बूढ़ों को संभालना, घर का काम संभालना, ऑफिस के काम भी संभालना, साथ में सबको मैनेज करना, ये सब काम कौन कर सकता है? जिसको बोलते हैं ना मल्टीटास्किंग, अगर कोई है तो वो नारी है। तो ये सभी नारी को मैं वंदन करता हूँ, और आज के प्रोग्राम का हम शुरुआत करने जा रहे हैं। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हम सेंट्रल वेस्ट जोन में ये अस्मिताओं का प्रोग्राम आज हम करने जा रहे हैं। ये फर्स्ट प्रोग्राम ऐसा है जहां पे आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे जानने को मिलने वाली है, सीखने को मिलने वाली है, तो आप यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए प्रॉपर तरीके से। दूसरी एक मैं इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ये जोन में, सेंट्रल वेस्ट जोन, मतलब राजस्थान और गुजरात में, मुझे ये बात कहते हुए बड़ी खुशी होती है कि आज का हमारा नेटसफ का जो टोटल टर्नओवर आता है, जो टोटल हमारा बिजनेस आता है, उसमें ऑलमोस्ट 50%, मतलब 50% से ज्यादा, 50% से ज्यादा बिजनेस अगर कोई देता है तो वो है अस्मिता, वो है नारी, मतलब आप सब लोग देते हो। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ही सराहनीय बात है कि नारी की वजह से आज ये हमारा जोन 50% बिजनेस में जाता है। लेकिन अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं तो ये बहुत ज्यादा है, क्योंकि बहुत कम अस्मिता लॉगिन होने के बावजूद हम 50% अगर ये टर्नओवर लाते हैं तो ये अस्मिता लॉगिन और बढ़ते हैं, तो ये 50% नहीं, मुझे लगता है तब तक ये 70-80% तक का बिजनेस ये हमारी नारी दे सकती है। तो ये पोटेंशियल है नारी में और सेंट्रल वेस्ट जोन की नारी में, जो हमारे सामने आज 1000 लोग बैठे है हमारे बातें यहाँ पे सुन रहे है। दूसरी में एक बात यहाँ पे कहना चाहूंगा कि आज हमने क्या किया है, आप लोगों में से, ये 1000 लोग में से ऐसी 13 महिला को हमने यहाँ पे चुना है जो हमारे जोन के, सेंट्रल वेस्ट जोन के ओसीएम है। वो लोग ऐसा काम कर रहे हैं कि आज के दिन में, ये लॉकडाउन के सिचुएशन में भी 25,000 से लेके 3,00,000 रुपए तक का चेक ये नारिया ले रही है, ये हमारी 13 अस्मिता ले रही है। तो ये लॉकडाउन के सिचुएशन में 25,000 से लेके 3,00,000 तक का चेक ये लोग ले रहे हैं। तो ये जो आज आपको अस्मिता यहाँ पे बातचीत करने वाले हैं, ये आपको उनमें से बहुत सारी चीजें से सीखने को मिलेगी, जो एक वुमेन,
डेफिनेटली कर सकती है, और इसीलिए ये प्रोग्राम का नाम हम लोगों ने रखा है कि इफ वी कैन यू कैन, अगर हम सब लोग महिला कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, तो आप भी डेफिनेटली ये अचीव कर सकते हैं। ऐसे तो भारत में बोला जाता है कि भारत एक पुरुष प्रधान देश है, लेकिन जब मैं नेटसप की बात करता हूँ, नेटसप के बारे में सोचता हूँ, तब मुझे ऐसा लगता है कि भारत ये पुरुष प्रधान देश नहीं है, क्योंकि अगर 50% से ज्यादा टर्नओवर हमारे सेंट्रल वेस्ट जोन में अगर ये नारी देती है, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये नारी का अगर स्ट्रेंथ और बढ़े तो बाकी सब जगह की तो पता नहीं, लेकिन ये गुजरात, राजस्थान और एमपी में भी यहाँ पे बहुत सारे लोग जुड़े हैं, ये तीन स्टेट में तो ये शायद स्त्री प्रधान देश भी बन सकता है, मतलब बहुत सारी नारी का टर्नओवर भी आ रहा है और नारी की वजह से आगे बढ़ रहे हैं। तो नारी मतलब महिला के दम पर आज नेटसप में क्या क्या चल रहा है, मतलब अगर मैं बातचीत करूं तो महिला के दम पर आज नेटसप के बहुत सारे हमारे डायरेक्ट सेलर के घर चल रहे हैं, महिला के दम पर आज बहुत सारे डायरेक्ट सेलर के स्कूल, उनके बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, उनके बच्चों की फीस ये महिला भर रही है, बहुत सारे ऐसे हस्बैंड है जिनकी रोजी रोटी नहीं मिल रही, लेकिन महिला के दम पर आज उसके हस्बैंड का गुजरान भी महिला के दम पे चल रहा है, बहुत सारी महिला के दम पर आज सास ससुर भी अपने घर में जी रहे हैं, महिला के दम पर आज बच्चों को जो अलग अलग चीजें लेनी है उनके लिए पैसे भी आज चल रहा है, उनका भी आज लाइफस्टाइल वो जी रहे हैं, महिला के दम पर हर एक परिवार की नेटसब से इच्छा पूर्ण हो रही है, हर एक परिवार आज आगे बढ़ रहा है, और सबसे बड़ी बात मैं आज अगर कहना चाहूंगा तो महिला के दम पर आज खुद महिला एक स्वतंत्र जीवन जी रही है, जो उनकी सबसे बड़ी इच्छा रहती है कि आई ऑल्सो वॉन्टेड टू बी माई इंडिपेंडेंट लाइफ, मुझे भी आज एक स्वतंत्र जीवन जीना है, स्पेशली शादी करने के बाद बहुत सारी महिला की ये इच्छा रहती है लेकिन वो उसका यूज नहीं कर सकती, लेकिन आज नेटसब की वजह से बहुत सारी महिलाएं शादी होने के बाद भी इंडिपेंडेंट लाइफ जी रही, क्योंकि घर में वो पैसों से भी और लाइफस्टाइल से भी कंट्रीब्यूट कर रही है। तो आज मैं आपको यहाँ पे सबसे एक पीपीटी के जरिए यहाँ पे मैं हमारा ये प्रोग्राम स्टार्ट करने जाऊंगा। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, एक बार आपको दिखाई दे तब मुझे बोलना कि नहीं इट इज विजिबल। शायद सब लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रहा है, वेरी गुड। तो जैसे कि हमारे प्रोग्राम का थीम है इफ वी कैन यू कैन, मतलब अगर हम सब मिलके कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। तो आज यहाँ पे अगर मैं बातचीत करूं तो सभी ऐसी महिलाएं आई है जो डेफिनेटली आज कुछ यहाँ से अलग सीखेगी, आज कुछ यहाँ से अलग जानेगी, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैंने रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको बता दिए, इसलिए वो मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा। आज मैं यहाँ पे एक पहले हमारे स्पीकर की बात करना चाहूंगा। आज मैं यहाँ पे स्टेज पे, वर्चुअल स्टेज पे सबसे पहले अगर मैं बुलाना चाहूंगा तो एक हमारी ओसीम है, मिस अनिता जैन। अनिता जैन ये एक ऐसे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है जो पिछले 4 साल से नेटसब के साथ जुड़े हुए हैं। वो इंदौर रीजन से है, वो बहुत नॉर्मल परिवार से आ रहे हैं। वो एक ऐसी महिला है जो हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलके आज नेटसब में काम कर रहे हैं, और उन्होंने हस्बैंड ने दोनों ने मिलके एक बार नेटसब में, नेटसब का हाईएस्ट एवर पे आउट जिसको हम बोलते हैं 8,19,250, वो भी वो ले चुके हैं, और उनका जो टोटल इनकम है वो 91 लाख रुपीस का हो चुका है। वो सीएमडी प्लस क्लब में है, वो इंदौर रीजन से है, और सबसे अच्छी बात मैं उनकी यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ये मई मंथ में जहां पे लॉकडाउन का सिचुएशन था, वो सिचुएशन में भी ये महिला ने एक महीने का जो टर्नओवर के माध्यम से इनकम है वो 1 मंथ का 1,66,000 का उन्होंने लिया हुआ है। 1,66,000 ये बहुत बड़ा इनकम होता है।
साथ में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये यहाँ पे फैमिली बिजनेस कर रहे हैं, मतलब हस्बैंड तो उनके साथ है ही, लेकिन उनकी बच्ची, उनका लड़का, उनके सास, उनके ससुर, सब लोग ये नेटसअप के बिजनेस में आज जुड़ चुके हैं। तो मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं अनीता मैडम को यहाँ पे स्टेज में सम्मानित करना चाहूंगा। अनीता मैडम प्लीज वेलकम ऑन द वर्चुअल स्टेज। मैडम प्लीज वेलकम। यस सर। यस अनीता मैडम आज यहाँ पे आ चुके हैं। अनीता मैडम प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज एंड आज के हमारे प्रोग्राम की आप शुरुआत कीजिए प्लीज मैडम। यस सर। मैडम यू कैन स्टार्ट योर सेशन। ओके सर। मैं अनीता जैन इंदौर रीजन से आप सभी अस्मिताओं का इस नेटसर्फ अस्मिता प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत करती हूँ, दिल से स्वागत करती हूँ। तो आप सभी अस्मिताओं के लिए दिल से तालियां। मैं एक जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मेरा एक किराने का व्यवसाय था मेरे फैमिली का, वहां से 35,000 से 40,000 रुपए का इनकम आ रहा था। मेरी फैमिली सिर्फ चल रही थी, मेरी फैमिली कुछ ना कुछ बिजनेस करने का सोच ही रही थी, क्योंकि पैसा ज्यादा नहीं होने के कारण हमारे पास कुछ बिजनेस नहीं था, क्योंकि पैसा नहीं था, लेकिन हमारी फैमिली नहीं चल पा रही थी। तो इसी बीच में मराठे सर एक बार हमारे घर पर आए और उन्होंने बताया कि प्रोडक्ट बेस ऐसी कंपनी है नेटसर्फ जिसका नाम है, और उसमें आपका करियर बन सकता है, आपके सपने पूरे हो सकते हैं और आपकी फैमिली के सपने पूरे हो सकते हैं। मेरी फैमिली ने बैठ के मराठे सर का जो नेटसर्फ कंपनी का प्लान आया था वो हमने सुना समझा, मेरी पूरी ज्वाइंट फैमिली साथ में बैठकर, और वो सुनकर हमें ऐसा लगा कि हम इसके अंदर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। तो सासू माँ को 14 सालों से शुगर था, सासू माँ को शुगर होने के कारण हमने सबसे पहले इसमें टैबलेट जो शुगर का है वो टैबलेट लेकर रिजल्ट लिया। 22 दिन में ही रिजल्ट आया सासू माँ को, जो 14 सालों से शुगर था वो हमने इसका प्रोडक्ट लेकर और रिजल्ट लिया। मुझे और मेरी सासू माँ को कॉन्फिडेंस आया। फिर मैंने, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली होने के कारण जवाबदारियां ज्यादा थी, तो मैंने जो 2 से 4 बजे का मुझे समय मिलता था उसी समय के बीच में प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस आने की वजह से मैंने 2 से 4 बजे तक प्रोडक्ट रिकमेंड स्टार्ट किया। क्योंकि फैमिली की जवाबदारी लेते हुए भी, क्योंकि मैं एक ज्वाइंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ, वो करते हुए मैंने 1 से 2 महीने के अंदर ही 35,000 से 40,000 रुपए जो किराने के व्यापार से आ रहा था वही नेटसर्फ की वजह से आने लगा, सिर्फ प्रोडक्ट रिटेलिंग करने से ही। तो मेरी सासू माँ ने एक बार बोला कि तुम 2 घंटे सिर्फ कर रहे हो रिटेलिंग और 35,000 से 40,000 रुपए आने लगा है, तो तुम अगर इसमें ज्यादा समय दोगी तो इसमें अच्छी इनकम हम ले सकते हैं। ऐसे ही एक दिन फिर मेरे हस्बैंड ने इस बिजनेस को समझा और स्टार्ट कर दिया था, तो नेटवर्क स्टार्ट किया था। इस नेटवर्किंग की ताकत से और बिजनेस की वजह से हम पूरी ज्वाइंट फैमिली एक साथ बैठे और हमने डिसीजन लिया। डिसीजन लेने के बाद हमने पूरी फैमिली ने किया कि हमारे सपने इसमें पूरे हो सकते हैं। ये सपने पूरे होने की वजह से हमने डिसीजन लेके तुरंत इसमें वर्क स्टार्ट कराया। सबसे पहले मेरे हस्बैंड ने इसमें स्टार्ट किया, फिर एक दिन मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैं नेटवर्किंग करना स्टार्ट कर रहा हूँ, तुम भी मेरा सपोर्ट करोगे कि हम बहुत अच्छा इनकम कर सकते हैं। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि मैं भी आपका सपोर्ट करती हूँ। ऐसे ही सपोर्ट करते गए, एक दिन 53,000 का इनकम हमारे घर पर आया, वो सासू माँ के हाथ में आया और मेरी बेटी ने ओपन किया और बेटी ने बोला कि मम्मा आपके नाम से 53,000 का चेक आया है। मैं शॉक्ड रह गई क्योंकि जीवन में कभी 53,000 एक साथ इनकम नहीं आया था। तो 53,000 का चेक देके हमको वहीं पर मेरी फैमिली को कॉन्फिडेंस आया और पूरी ज्वाइंट फैमिली, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरी सासू माँ ने भी मुझे सपोर्ट किया, मेरी देवर देरानी सभी ने मेरा सपोर्ट करना स्टार्ट किया, क्योंकि 53,000 एक बहुत बड़ी इनकम होती है। तो वहां से हमने नेटवर्किंग स्टार्ट किया और टीम संभालना स्टार्ट किया। तो मेरे हस्बैंड ने नेटवर्क स्टार्ट कर दिया था, तो वहां से टीम बढ़ती गई, अस्मिताओं का टीम बढ़ना पड़ा। तो मैंने अस्मिताओं का टीम स्टार्ट किया और मेरे हस्बैंड ने बाहर जाकर नेटवर्क स्टार्ट किया। ऐसे करते हुए 1 से 2 साल के अंदर 3 से 4 लाख रुपए आना स्टार्ट हुआ। तो हमने 1 साल के अंदर हमारी जो किराने की दुकान थी वो बंद कर दी, क्योंकि वहां 35,000 से 40,000 आ रहा था, लेकिन यहाँ 2 से 3 लाख रुपए आना स्टार्ट हो गया। तो मेरी फैमिली पूरी इसके अंदर इन्वॉल्व होने लगी। इन्वॉल्व होने के कारण ऐसे ही हम आगे बढ़ते गए। मेरी बेटी ने भी इसमें खुद आत्मनिर्भर होके इस बिजनेस को समझा और उसने भी बिजनेस किया, उसने भी सपोर्ट किया और उसने भी इसमें बिजनेस किया और आगे बढ़ते गए। ऐसे ही 2.5 साल के अंदर ही हमने जो इसके अंदर 8,19,250 बताया गया था हमें मराठे सर ने, तो वो हमने
कपल संजय जैन और अनीता जैन ने मात्र 2.5 साल के अंदर ही 8,19,250 मात्र 15 दिन का जो मिलता है वो हम कपल के पेचीवर के नाम से नेट सर्फ ने हमें वो पहचान दी। आज ये पहचान, क्योंकि पहचान नारी को कभी नहीं मिलती है, लेकिन ये नेट सर्फ ने मुझे पहचान दी है और पूरा हम कपल के नाम से इस नेट सर्फ में पहले ऐसे कपल है जो 8,19,250 लेने वाले। 15 दिन की एक बहुत ही बड़ी इनकम होती है। 8 लाख जब हमारे घर पर आए तो हमारी फैमिली बहुत खुश हो गई, इसमें हमारी खुशियां बढ़ती गई, हम आगे बढ़ते गए और आज हमें 5.5 साल हो गए पूरे और 5.5 साल में 51 लाख रुपए इनकम हमारे घर में आई है। हमारी फैमिली भी अगर पूरा बिजनेस अलग अलग बिजनेस करते तब भी 51 लाख रुपए हमारी फैमिली नहीं इनकम कर सकती जो नेटसर्फ ने हमें दिया। और इस नेटसर्फ को थैंक्स, क्योंकि नेटसर्फ की वजह से हमारी फैमिली की पहचान भी बनी और मेरी पहचान भी बनी और ऐसे ही हम आगे बढ़ते गए, क्योंकि मेरे बहुत बड़े सपने थे, मेरी फैमिली के सपने बहुत बड़े थे। तो मेरी बेटी ने भी इसमें एक विदेश टूर आया था दुबई, उसका बर्थ डेट था, मेरी बेटी ने मैं खुद इंडिपेंडेंट इसमें रहकर और दुबई विदेश टूर अचीव किया और 65,000 का चेक आया। वो मेरे मुझे बोलती ही रह गई थी कि मम्मा मुझे मेरी 2-व्हीलर लाना है और उसका चेक 65,000 आया। तो वो खुद ने 65,000 के चेक से एक पसीनो 2-व्हीलर गाड़ी अपने पसंद से खरीद के लेकर आई है कैश पेमेंट में। इस अनीता जैन की और अनीता जैन की फैमिली की 2-व्हीलर खरीदने की ताकत नहीं थी, तो आज 3-4 व्हीलर हमारे घर पर है और 2-व्हीलर खुद घर पर है। एक तो मेरी बेटी की पसंद की उसके खुद के चेक से खड़ी हुई है, उसके ब्लू कलर की उसको फेवरेट था। ऐसे ही विदेश टूर ये अनीता जैन नीचे से फ्लाइट देखती थी, सपना बहुत था कि एक दिन फ्लाइट में बैठना है, लेकिन जॉइंट फैमिली और इनकम कम होने के कारण कभी फ्लाइट में नहीं बैठ पा रही थी। तो ऐसे ही अभी अनीता जैन 3 और संजय जैन 3 विदेश टूर करके आए थे, थाईलैंड हांगकांग मकाऊ और भी कंपनी ने जो टूर दिए वो हम लोगों ने विदेश टूर अचीव किए। ये अनीता जैन अगर नॉर्मल फैमिली में रहती तो कभी नहीं कर पा सकती और ये नेट सर्फ नहीं होता तो ये अनीता जैन ऐसा कभी नहीं कर पाती। तो ऐसे ही मेरे 3 विदेश टूर हुए, नेशनल और इंटरनेशनल टूर बहुत किए मैंने और जो अनीता जैन नीचे से फ्लाइट देखती थी आज उसी फ्लाइट में बैठकर सेमिनार देने जाती है। तो ये सपने मेरे पूरे हो सकते हैं। टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, लाइफ स्टाइल, पहले की लाइफ स्टाइल और नेट सर्फ की लाइफ स्टाइल के बाद, क्योंकि इनकम ज्यादा होने की वजह से मेरे पास ये लाइफ स्टाइल हमारी फैमिली के चेंज हुई, मेरी चेंज हुई। तो मेरी फैमिली के सपने पूरे हो सकते हैं या अनीता जैन के सपने पूरे हो सकते हैं तो आपके क्यों नहीं, ये मैं कर सकती हूँ। तो ये आप जितनी भी आज अस्मिता 1,000 अस्मिता है आप क्यों नहीं कर सकती है। तो ये मेरी नॉर्मल फैमिली से आज इस फैमिली में पहुंच गई है, आज रिच फैमिली के नाम से जानी जाती है। और इस लॉकडाउन के अंदर लोगों को जॉब और इसके पैसे की जरूरत हो रही है, लेकिन उनके पास पैसा नहीं आ रहा है, जॉब जा रही है, बिजनेस डाउन हो गया है, लेकिन इस अनीता जैन के फैमिली के अंदर इस मई मंथ का 1,66,000 रुपए इनकम आया है। मेरे रिलेशन का फोन आया कि कैसा क्या चल रहा है, मैंने बोला हमारा तो बहुत अच्छा चल रहा है, मेरे घर के अंदर 1,66,000 रुपए आए हैं। वही रिलेशन जो हमें नहीं पहले पहचानते थे, अभी हमें बुलाते नहीं थे, आज वही रिलेशन वाले आज हमें मान सम्मान और देते हैं। आज अनीता जैन को 8,19,250 मिला, संजय जैन अनीता जैन कपल के नाम से 3,500 लोगों के बीच में हमें मान सम्मान और हमारी पहचान मिली और सुजीत सर के हाथों से यह पहला ऐसा कपल है जो हमें कैप अचीवर के नाम से और कैप पहनाई गई। तो वहाँ हमारी बहुत खुशियां बढ़ी क्योंकि 3,500 लोगों के बीच में हमें मान सम्मान मिला। तो ये मैं कर सकती हूँ, तो आप सब महिला है इसमें कर सकती है। नारी कोमल है कमजोर नहीं, कोमल है कमजोर नहीं, मजबूत है मजबूर नहीं, वो है हम भारत की नारी, वो है हम नेट सर्फ की नारी। तो मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। थैंक यू नेट सर्फ। थैंक यू मैडम। मैडम की स्पीच से आज हमें यहाँ पे पता चला कि नेटसर्फ में हम कोई भी सिचुएशन में हो, कोई भी परिस्थिति में हो, हम यहाँ पे हमारे पूरे फैमिली को ये बिजनेस में इन्वॉल्व कर सकते हैं। और ये लॉकडाउन के सिचुएशन में भी 1,66,000 का पे आउट ये मैडम ने लिया है और हस्बैंड और वाइफ दोनों यहाँ पे कपल कैप करके भी उन्होंने अचीव किया है। तो बहुत ही अच्छा अचीवमेंट यहाँ पे मैडम ने किया है। अभी यहाँ पे मैं दूसरे हमारे अस्मिता स्पीकर को जिनको बुलाना चाहूंगा, जिनका नाम है राजेशी बेन पटेल, शी इज फ्रॉम अहमदाबाद। अगर मैं उनकी बात करूँ तो पिछले 3 साल से वो नेटसर्फ के साथ जुड़े हुए हैं।
उनकी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एजुकेटेड है, फैमिली बैकग्राउंड वेल टू डू है, कोई इश्यू नहीं है, उसके बावजूद भी आज नेटसफ के अंदर वो बहुत ही अच्छा खासा टीम चला रहा है, बहुत ही अच्छा खासा इनकम ले रहे हैं, और आज उनका लॉकडाउन के सिचुएशन में भी मंथली पे आउट जो है मई महीने का वो 1 लाख को क्रॉस कर चुका है। हालांकि वो डायरेक्टर क्लब में ही है, लेकिन उनका पे आउट में ड्रास्टिक बढ़ावा आया है। एजुकेटेड, वेल टू डू, सब कुछ होने के बावजूद भी हम यहाँ पे जानना चाहते कि ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से आज उनको नेटसफ करने के लिए उनको प्रेरणा मिलती है, नेटसफ करने के लिए वो प्रेरित होते हैं। तो मैं यहाँ पे वर्चुअल स्टेज पे राजेशी बेन पटेल का बहुत ही दिल से स्वागत करता हूँ। मैडम प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज, और हमारे यहाँ पे सब अस्मिताओं को बताओ कि आपकी नेटसफ की ये सक्सेसफुल जर्नी कैसी रही। राजेशी बेन पटेल, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। Yes, sir. Thank you so much. Thank you so much, Kevin sir, for warmly welcomes and all Asmita. Sir, ne aapko mera introduction de hi diya. Rajshri Patel and I am from Ahmedabad region. Main agar meri baat karu to maine mera education engineering mein kiya, IT mein kiya, par pehle se hi mera focus raha hai finance ke andar. क्योंकि मेरा ये हॉबी था, शौक था, मुझे पहले से ही फाइनेंस मैनेज करना, जब मैं अनमैरिड थी तो मैं उसके ऊपर बहुत काम करती थी। तो मैंने मेरे करियर की शुरुआत भी शादी के बाद उसी के अंदर की। 2008 से लेके 11 तक मैंने फाइनेंस के अंदर जॉब किया। देन मैंने मेरा 2012 में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शुरू किया, जिसमें मेरा काम रहता है फंड मैनेजमेंट का, और मैं फाइनेंस मैनेज करती हूँ। मेरा ऑफिस एक दुबई में है, अफ्रीका में है और अमेरिका में भी है। अहमदाबाद का ऑफिस जहाँ पे मैं बैठती हूँ, 20 लोगों को हैंडल करती हूँ। पर ये सब करते करते मैं बहुत रीडिंग करती हूँ, बहुत बहुत सारी बुक्स मैंने पढ़ी। मैं आपको एग्जांपल दूँ, जो 2-3 बुक्स फेमस है मैं उनके नाम ले रही हूँ, रिच डेड पुअर डेड एंड फिर थिंक एंड ग्रो रिच करके बहुत सारी बुक मैं पढ़ती हूँ। अच्छे अच्छे इकोनॉमिस्ट को मैं पढ़ती हूँ। मुझे पता चला कि फाइनेंस में एक्चुअल इनकम का वैल्यू क्या रहता है। तो मुझे पता चला कि यार जिंदगी में 2 टाइप के इनकम होते हैं राजश्री। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? आज मैं बहुत अच्छा इनकम ले रही हूँ, महीना 5-7 लाख रुपया, 10 लाख कमा रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर कल अगर मुझे कुछ हो गया, मुझे घर पे बैठना पड़ा, तो मैं ये इनकम ले पाऊंगी क्या? मेरे नेक्स्ट जनरेशन यही बिजनेस चला पाएगी क्या? आपने कभी सुना है कि डॉक्टर या डॉक्टर का लड़का या लड़की कभी डॉक्टर बन सकते? ऐसा जरूरी नहीं होता है, क्योंकि ये मेरी एबिलिटी का बिजनेस था। तो ये सब रिसर्च चल रहा था मेरे दिमाग में कि क्या करूं, कैसे करूं। क्योंकि 2 टाइप्स की इनकम होती है, एक होती है पैसिव इनकम। ये जब पैसिव इनकम की बात आई ना, तो मेरे दिमाग में सडनली क्लिक हुआ कि यार पैसिव इनकम क्या होती है। पैसिव इनकम आज अच्छे अच्छे बड़े बड़े बिलियनियर लोग बोलते हैं कि आप जब सोते हो ना, तब भी आपके घर पे पैसे आने चाहिए, उसको बोलते हैं पैसिव इनकम। तो ये पैसिव इनकम मैं कैसे ले पाऊँ? 2-3 तरीके मैंने फाइंड किए, पूरा रिसर्च किया नेट के ऊपर। तो मेरा फैमिली बैकग्राउंड अच्छा था, तो मैंने सोचा चलो कि मैं FD बना लेती हूँ, है ना, 1-2 करोड़ रुपया डाल देती हूँ। तो क्या होगा कि जब तक जिंदा रहेंगे, नेक्स्ट जनरेशन को भी महीना 4-5% रिटर्न सालाना मिलता रहेगा, तो मेरे को घर पे महीना 40-50 हजार आएगा। फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया, एक फॉरेन के ऑथर है जिनका नाम है हाउ इकर करके, उन्होंने लिखा है कि यू बिकम फाइनेंशियली फ्री व्हेन योर पैसिव इनकम एग्जिस्ट योर एक्सपेंसेस। इसका मतलब होता है कि आप फाइनेंशियली तब फ्री होते हो कि जब आपका पैसिव इनकम आपके खर्चे को एग्जिस्ट कर देता है। तो मैंने सोचा अभी मेरी लाइफस्टाइल के हिसाब से मुझे 1 लाख रुपया तो लग रहा है ना। अभी 10 साल के बाद जब मैं सोच रही हूँ कि मुझे फ्री चाहिए, मुझे पैसिव इनकम चाहिए, तो क्या 1-2 करोड़ डाल के मुझे जो पैसा आएगा उसको मैं पैसिव इनकम बोल सकती हूँ क्या? नहीं बोल सकती। उससे मैं दाल रोटी खा सकती हूँ, मेरी जो लाइफस्टाइल है उस हिसाब से मैं जिंदा नहीं रह सकती, है ना। तो फिर मैंने सोचा, वापस कंफ्यूज हो गई क्या करूं कैसे करूं। सब रिसर्च करते 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 पता चला कि एक इंडस्ट्री है, नेटवर्क इंडस्ट्री, जिसके जरिए हम हमारी पैसिव इनकम खड़ी कर सकते हैं। ये इंडस्ट्री के बारे में रिसर्च करना शुरू किया, नेट पे से डेटा निकाला, गूगल में से, पता चला कि ये इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड में कितने सालों से चल रही है, 50 साल 70 साल, और बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही है। अरे कितने कितने लोगों ने तो ये इंडस्ट्री के जरिए अपने प्राइवेट प्लेन ले लिए। तो ऐसा क्या है इंडस्ट्री के अंदर, हम कैसे पैसा कमा सकते हैं? बहुत रिसर्च किया, पता चला कि इंडस्ट्री में सब लोग सक्सेस हो सकते हैं, पर क्या
को कैसे काम करना चाहिए। पहले मैंने डेटा के ऊपर रिसर्च किया कि इंडिया में इसकी पोजीशन इतनी नेगेटिव क्यों है, क्योंकि अगर मैंने नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में देखा तो कोई इसको एमएलएम बोलता है, कोई इसको स्कीम बोलता है, कोई स्कैम बोलता है, कोई मेंबर बताओ का चैनल बोलता है, कुछ भी बोलता है। अरे मैंने देखा कि चलो इसके ऊपर रिसर्च करते, मैंने देखा पूरा डाटा निकाला, अमेरिका का पॉपुलेशन जो है वहां की बस्ती 32 करोड़ का पॉपुलेशन, सोचो। और ये इंडस्ट्री के माध्यम से पूरा अमेरिका 2,17,000 करोड़ का टर्नओवर करता है। वहीं पे हम चाइना की बात करें, 145 करोड़ की पॉपुलेशन, 1,70,000 करोड़ का टर्नओवर। अरे ये तो बड़े कंट्री हो गए। मैं आपको एक छोटी कंट्री का है बताती हूँ, मलेशिया की बात करें, 3 करोड़ की बस्ती, सोचो, और वहां का टर्नओवर 30,000 करोड़। अरे भारत की बात करते हैं ना, हम जहां रहते हैं, हमारे पास 132 करोड़ का पॉपुलेशन और हम टर्नओवर में सिर्फ और सिर्फ 7,800 करोड़ पे है। मैंने सोचा बहुत स्कोप है, ये इंडस्ट्री बहुत आगे जा सकती है, ऐसा मुझे लगा, पर मैंने फिर भी मान नहीं लिया। मैंने नेट पे सर्च किया तो वहीं पे फिक्की और केपीएमजी का डेटा आया, और वो डेटा मैंने देखा तो उसी डेटा में लिखा था कि भारत में ये इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रही है, आने वाले 2025 तक ये इंडस्ट्री में से 65,000 करोड़ का टर्नओवर इंडिया को मिलने वाला है। मेरे दिमाग में लग गई बात, सोचो 65,000 करोड़ का टर्नओवर, मतलब 50% पैसा नेटवर्क इंडस्ट्री बांटती है। कितना पैसा बटेगा इंडिया में, अब मुझे तय करना था कि मुझे क्या करना है, मुझे कितना लेना है पैसा। मैंने सोच लिया चलो अब तो करना तो है ही नेटवर्क इंडस्ट्री, कुछ भी करके सब देखना शुरू किया, रिसर्च किया, पता चला, क्योंकि हम लोग पैसे इनकम के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि आज मुझे 5,000-7,000 के लिए काम नहीं करना है। तो कंपनी जो है, कंपनी का विजन क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर 3 साल के बाद मैं पैसे इनकम लेना शुरू करूंगी, कंपनी ही नहीं होगा तो कहां से आएगा पैसे इनकम। तो पता चला कि कंपनी का विजन देखो, कंपनी का बैकग्राउंड देखो, कंपनी के डायरेक्टर को देखो, कंपनी के ऊपर डेप्थ कितना है देखो। मैंने सब सर्च किया नेटसफ के बारे में, तो नेटसफ में पता चला 1 भी रुपए का कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं है, 100% डेप्थ फ्री कंपनी। डायरेक्टर जो लोग एक अच्छे खासे बिजनेस में नेटसफ को छोड़ के और 10-12 कंपनियां चला रहे हैं, मैंने देखा इनका विजन कंपनी का। अरे विजन की बात करें तो आने वाले 10 साल का प्लान रेडी है, ऑलरेडी 20 साल से चल रही है, मतलब विजन क्लियर है। कंपनी ने इतना हजारों करोड़ इन्वेस्ट करके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा, परफेक्ट, नेट्स ऑफ परफेक्ट है, चलो पैसिव इनकम ले सकते हैं। दूसरा क्या होना चाहिए परफेक्ट, प्रोडक्ट परफेक्ट होने चाहिए, क्योंकि रिकरिंग होना चाहिए ना। अभी मानो कि मैं किसी को सूट बेचने जाओगी, कौन लेगा, जिंदगी भर थोड़ी बेचना है मुझे, मुझे तो घर पे सोना है और पैसा चाहिए, कैसे आएगा। तो प्रोडक्ट रिकरिंग होने चाहिए, प्रोडक्ट अफोर्डेबल होने चाहिए, प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड होने चाहिए। सारे पॉइंट्स मैंने देखे तो नेट्स ऑफ के प्रोडक्ट परफेक्ट, रिकरिंग प्रोडक्ट, वेजिटेरियन प्रोडक्ट, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट, 100% बहुत बेस्ट प्रोडक्ट लगे। मैंने सोचा चलो नेटसफ इज द बेस्ट कंपनी इन दी इंडिया, मुझे कॉन्फिडेंट आ गया और मैंने काम करना शुरू किया। काम करते गई करते गई, 3 साल हो गया, 4th साल चल रहा है, मेरी कंपनी चलाते चलाते, घर चलाते चलाते मैंने नेटसफ में काम करना शुरू किया। पार्ट टाइम काम करते करते अभी हर महीना मैं 1,00,000 रुपया, अभी आपने देखा मई महीने का पे आउट मेरा है ना, पार्ट टाइम काम करते करते आगे चलते गए, कारवा बनता गया। और सबसे बढ़िया बात मैं आज आपको यहाँ पे ये बताने चाहूंगी कि जब मैं मेरी कंपनी चला रही थी 2012 से चला रही थी, पर मुझे पैसा मिल रहा था, नो डाउट, पर मुझे कौन जानता था मेरा स्टेटस, मेरा नेम फेम क्या था। पर मैं अगर आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि नेटसफ के माध्यम से मुझे क्या मिला, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। देखो मैं जब स्टेज पे जाती हूँ ना, रिवॉर्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन के लिए जब हमारा फेलिसिटेशन होता है, सामने 3,000-4,000 लोग रहते हैं। मेरा 7 साल का लड़का है, मुझे बोलता है मम्मा मैं ना तुम्हारे साथ स्टेज पे आऊंगा, तुम्हारे सर को बोलना कि ये शील्ड मैं लेने आऊंगा। अरे उसको इतनी खुशी होती है कि जब वो नीचे खेलने जाता है तो उसके फ्रेंड को बोलता है यार तुझे पता है मेरी मम्मी को ना शील्ड मिला, हम ये प्रोग्राम में गए थे, हम आज दुबई गए थे, और वो बोलता है मैं भी ना स्कूल में ऐसा शील्ड लेने वाला हूँ। और ये खुशी जब मिलती है ना, बहुत बड़ी खुशी होती है, बहुत बड़ी, क्योंकि हमारे बच्चे ना हमें ही फॉलो करते हैं, उनके हीरो हीरोइंस हम ही होते हैं, है ना। उसको सिखाना नहीं पड़ेगा कि तुझे शील्ड लेना चाहिए, वो खुद बोल गया, तो इससे बड़ी बात मेरी कोई नहीं हो सकती। तो नेटसफ के जरिए मुझे पैसिव इनकम तो मिली ही नहीं,
पर मेरा नेम, फैंस, स्टेटस, जो भी चाहिए था, सारे सपने मेरे कंप्लीट हुए। और मैं आपको एक पैसिव इनकम का लाइव एग्जांपल देके मेरा यहाँ पे सेशन कंप्लीट करूंगी। लाइव एग्जांपल बताती हूँ मैं। देखो मेरी कंपनी सब बढ़िया, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एम्प्लॉयज, इनकम सब होते हुए भी ये लॉकडाउन में, देखो मुझे जिस बात का डर था वो सही हुआ। हाँ, मुझे पहले पता चल गया था क्योंकि मैंने रीडिंग किया था। अभी लॉकडाउन आया, कोरोना आया, अहमदाबाद की कंडीशन थोड़ी डिफिकल्ट ज्यादा थी, सबको पता है। तो मेरी ऑफिस ओपन ही नहीं हो पाई, पूरे वर्ल्ड में था तो एक भी ऑफिस ओपन नहीं हो पाई। अब 2.5 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, इनकम आना वहां से बंद था, इनकम वहां पे बंद था। और उसी कंडीशन में नेटसर्व के माध्यम से अप्रैल में मैंने 15 दिन का 52,000, मई महीने का 15 दिन का 78,000 इनकम लिया, एंड दैट्स कॉल्ड पैसिव इनकम। ये मेरा लाइव एग्जांपल है। ये मेरी फैमिली बोलती है कि तुमने जो डिसीजन लिया था ना, परफेक्ट। क्योंकि जब शुरू किया ना, तब लोग बोलते थे क्या कर रही है, तुझे कौन सी जरूरत है, लोगों को बता रही है ऐसा इंडस्ट्री वैसा इंडस्ट्री। पर मैंने देखा था, मेरा विजन क्लियर था कि मुझे करना है, तब जाके मैं कर पाई। इफ आई कैन, वी कैन, व्हाई नॉट यू। अगर हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो, क्योंकि हर एक स्त्री के अंदर भगवान ने उतनी ही कैपेसिटी दी है, बस आपको सिर्फ सोचना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैडम। आपने अपना फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग होने के बावजूद भी इतना सारा यहाँ पे नेट सबसे पाया है, ये जान के हमें बहुत ही खुशी मिली। सभी लोग इससे बहुत ही सारी प्रेरणा ले सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिजनेस में वेल टू डू होते हैं, लेकिन साथ में एक नेम और फेम पाने के लिए भी कुछ अलग किया जा सकता है। ये नेटसअप राजेशी बेन के फैमिली ने और उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है। आज मैं यहाँ पे जो हमारे तीसरे स्पीकर है जिनको मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगा, उनका नाम है हीना पांबर। शी इज फ्रॉम राजकोट रीजियन। उनकी अगर मैं बातचीत करूँ तो वो उम्र में बहुत छोटे हैं, मतलब बहुत ही कम ही उम्र में उन्होंने नेटसअप में ज्वाइनिंग कर लिया, और आज शायद 24 या 25 साल की उम्र है, उसमें 4 साल नेटसअप के ही हो गए, मतलब 20 साल की उम्र में नेटसअप में वो ज्वाइन हो गए थे। आज नेटसअप से वो ऑलरेडी गोल्ड क्लब, मतलब अबाउट टू रीच डायरेक्टर क्लब पहुंच चुके हैं। और उनका पहले का मुझे जहां तक पता है परिवार की परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, शायद सभी बहनों ने मिलकर ये बिजनेस को बढ़ावा दिया, और अभी ऐसा हो चुका है कि परिवार के सभी शौक एक एज ए फीमेल वो पूरे कर रही है। अपने फादर के जो भी शौक रहते हैं, मदर के शौक रहते हैं, अपने बहनों के शौक रहते हैं, ये सभी आज एक अस्मिता इतनी छोटी उम्र में पूरे परिवार को यहाँ पे एक सपोर्ट करती है। और उनकी मैं बातचीत करूं तो मई मंथ में इतना टफ सिचुएशन था, उसके बावजूद भी उन्होंने 62,000 का चेक लिया है। तो ऐसे हमारे हीना बेन पांबर को मैं यहाँ पे स्टेज पे सम्मानित करना चाहूंगा, और उनको बोलूंगा कि आपके वजह से बहुत सारे यंग जनरेशन आज यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनकी उम्र शायद 20 से लेके 30 साल के बीच में है। तो उनको ऐसा कुछ दिया जाए जिससे सभी अस्मिता वो भी लेवल पे अच्छा काम कर सकती, या जो बड़े अस्मिता हमारे यहाँ काम कर रहे हैं उनके बच्चों को भी ये प्रेरणा मिले, उनकी बच्चियों को भी ये प्रेरणा मिले कि अच्छा काम वो कैसे कर सकते हैं। तो हीना पांबर, प्लीज वेलकम टू द वर्चुअल स्टेज एंड गिव योर स्पीच। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। नमस्कार ऑल अस्मिताज। इस प्रोग्राम में मैं हीना पांबर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और ये जो सर ने बताया, काफी बताया है मेरे बारे में, मैं राजकोट रीजन से हूँ, मेरा नाम है हीना पांबर। और मेरी नेटसर्फ की शुरुआत 19 साल की थी, मैं जब मैं कॉलेज कर रही थी बीकॉम में, सेकंड ईयर में थी तब मेरी शुरुआत है, तब मेरा ज्वाइनिंग है नेटसर्फ में आज से 4 साल पहले। कि जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी, पहले मैंने खुद सुना कि बिजनेस कैसा है, किस तरह से होता, तो मुझे अच्छा लगा ये बिजनेस। तो जब मैंने घर पे बात की थी मुझे बिजनेस करना है, तो मेरे फैमिली ने, सब लोग ऐसे है कि सब चिंतित रहते हैं अपनी बेटी के लिए, क्योंकि मैं एक लड़की थी। तो पहले तो बोला कि नहीं, ऐसा हमें कुछ नहीं करना, ऐसा बिजनेस कुछ नहीं करना। और फिर मेरे जो सीनियर है उसको मैंने घर पे बुलाया और पापा के साथ बात की, तो पापा ने भी कहा कि कोई बात नहीं आप करो। तो मुझे फैमिली का अच्छा सपोर्ट भी मिला,
और मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। मैंने स्टडी मैंने कंप्लीट किया, बीकॉम मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद जब मेरा ड्रीम था कि ये बिजनेस मैंने जब देखा, तो मेरे बचपन में जब थी तो मेरा फैमिली का ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं था जो मुझे खुद की गाड़ी लेनी थी, टू व्हीलर वो मुझे चाहिए, तो ऐसा सिचुएशन नहीं था क्योंकि हमारे फैमिली में हम 5 बहन हैं। तो इस बिजनेस से मैंने जब मैं 21 साल की हुई तब मैंने टू व्हीलर गाड़ी ली। मैं खुद के नेटसर्फ बिजनेस से, नेटसर्फ की इनकम से मैंने एक्टिव वाली 2 महीने गाड़ी ली। उसके बाद मुझे गाड़ी भी अच्छी लग, मुझे 4 व्हील का भी शौक था क्योंकि जब यंग जनरेशन में जब हम होते हैं 21 से 30 साल की उम्र में, क्योंकि तब हमारे अंदर भी एनर्जी भी काफी होती है और हम कुछ अच्छा सीख भी सकते हैं। तो मुझे नेटसर्फ के साथ साथ मैंने बिजनेस किया अच्छा हुआ। तो मैंने 22 साल की उम्र में मैंने 4 व्हीलर गाड़ी भी ली, इसी बिजनेस में मैंने खुद के पैसों से ली। और इसके साथ साथ मुझे फॉरेन जाने का भी बहुत शौक था, टूर भी मुझे फॉरेन जाना ही था, लेकिन मैंने पहले भी बताया कि मेरी फैमिली की ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि वो मुझे फॉरेन भेज सके। लेकिन हमारी जो कंपनी टूर देती है, फॉरेन टूर भी मैंने 2 अचीव की इसी बिजनेस के माध्यम से। और मेरी जो छोटी बहनों है उसकी मैं स्टडी में भी मेरे पापा को हेल्प करती हूँ। और ये क्या है कि आज की सिचुएशन अगर आप देखें तो यंग जनरेशन में क्या होता है कि अगर आप अच्छा बिजनेस करना चाहो तो इन्वेस्टमेंट ऐसा कुछ लगता है, और मोबाइल का भी जमाना है, डिजिटल भी युग है। तो इसी डिजिटल युग का मैंने यूज करके, क्योंकि हमारा मोबाइल है तो हर लड़की या लड़के के पास मोबाइल रहता है और फैमिली का सपोर्ट रहे तो हम अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। अभी ये सब मैंने 4 व्हीलर भी और फॉरेन टूर भी किया, 2 व्हीलर गाड़ी भी ली, वो मैंने शादी के पहले भी ली। अब मेरी शादी हुई उसके में ना 4 ही महीना हुआ है अभी। तो हर किसी का सपना होता है, हर माँ बाप का सपना होता है उसकी बेटी की अच्छी लाइफस्टाइल हो और अच्छी उसकी अच्छे घर में शादी हो। तो मेरी शादी भी अभी 4 महीने ही हुआ है, तो मेरी अच्छे घर में शादी भी हुई और मुझे ज्यादा प्राउड तब फील हुआ क्योंकि हर माँ बाप को चिंता रहती है इसकी शादी में जो भी खर्चा आता है। तो कहते हैं ना कि जिसके घर में ज्यादा बेटी होती है तो उसको मम्मी पापा को थोड़ी चिंता रहती है कि किस तरह से हम शादी करें, शादी का खर्चा कैसे उठाएं। तो मैंने भी मेरी शादी का खर्चा खुद उठाया है, मेरे पापा को हेल्प की है और अच्छे से शादी भी कर दी। और शादी के बाद भी अभी क्या है कि शादी के बाद भी मैं जो बिजनेस करती हूँ मेरे सास ससुर भी मुझे सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारे क्या है कि गांव में, मैं गांव से ही हूँ, हमारे गांव में क्या है कि शादी के बाद जो लड़कियों के कपड़े पहनने होते हैं और कई जगह पे जाने की आने जाने की इतना छुट्टी नहीं रहती, क्योंकि मैं आज 4 ही महीने हुए लेकिन मैं 15 दिन से आज बाहर हूँ। उसका रीजन क्या है कि नेट सर्फ का बिजनेस में करती हूँ 4 साल से, अभी मेरी उम्र 24 साल ही है। लेकिन इस बिजनेस में अगर आप यंग जनरेशन जो आपके बेटी लड़का या लड़की को आप सपोर्ट करें, यहाँ पे हम सर ने भी पहले भी बताया कि जो लॉकडाउन की स्थिति में मेरा अप्रैल महीने का चेक था 36,000 था और मई महीने का जो पेआउट है और 62,000 है। तो इस पे आउट में मैं पहुंची और सबका ये बिजनेस करते करते मैं यहाँ तक पहुंची हूँ और आगे भी बहुत सारे ड्रीम है। तो मेरा जो ड्रीम है कि मैं जब 25 या 30 साल की हो जाऊ तब मेरे पास बहुत जो भी मेरे फैमिली के जो ड्रीम है ना वो कंप्लीट कर लूँ। अभी तो मैंने कंप्लीट किया है और सबका भी, मेरे मम्मी पापा की जब मैं गाँव से हूँ तो उन्होंने 3-स्टार होटल भी नहीं देखी थी, अच्छी होटल भी नहीं देखी थी। और जब पिछले साल महाबलीपुरम का, यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं थे कि जिसने भी कंप्लीट किया होगा महाबलीपुरम का टारगेट तमिलनाडु में, तो वो टारगेट आइकॉन का पूरा करके मेरे मम्मी पापा को वो टूर में ले गई। तो उसने जो 5-स्टार का और जो लाइफस्टाइल देखा तो वो जान के वो जो उसको भी बहुत खुशी हुई, क्योंकि हमारा क्या है कि जब हम अपने मम्मी पापा के भी सपना पूरा कर सकते हैं इस बिजनेस से, तो मेरा सपना भी पूरा हुआ और हमारा फैमिली का भी सपना पूरा हुआ। तो इसकी इसलिए ये बिजनेस ऐसा है कि हम, अगर आप कितने उम्र के है वो मायने नहीं रखता, अगर आपकी बेटी 21 साल या 19 साल की हो या लड़का, उसको भी ये बिजनेस में लाए और आप भी ये बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। अगर मैं ऐसा कर सक
सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच पहले तो कि आपने मुझे सुना। तो सर थैंक यू सो मच, नेट सर को भी मैं थैंक देना चाहती हूँ क्योंकि उसकी वजह से मुझे इतना सब कुछ मिला है। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू इनाबेन। यहाँ से एक हमें सीखने को मिल सकता है कि इतनी कम उम्र में भी उन्होंने नेटसअप में एक बहुत बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया है। यहाँ पे बहुत सारी अस्मिताएं हैं, बहुत सारी माताएं हैं जिनकी लड़की है या अस्मिताएं खुद है जो भी बहुत कम उम्र में है, लेकिन कभी कभी हम ऐसा सोचते कि अभी ये काम करने की उम्र नहीं है, एंजॉय करने की उम्र है। लेकिन अभी आपने काम किया तो आगे जाके एंजॉय होगा, अभी एंजॉय किया तो आगे जाके काम करना पड़ेगा। तो पहले आप यहाँ पे काम कर सकते हो जैसे हिना ने किया। हम यहाँ पे उनका एक लाइव एग्जांपल लेके बहुत सारी अस्मिता को यहाँ पे प्रेरित करना चाहते हैं। साथ ही में अभी नेक्स्ट यहाँ पे मैं एक अस्मिता को बुलाना चाहूंगा जो सूरत रीजन से है, जिनका नाम है नीपाबेन विरमगामा। पिछले 4 साल से नेटसअप के साथ वो जुड़े है। नेटसअप में आज टोटल इनका जो इनकम है वो ऑलमोस्ट 30 लाख तक पहुंच चुका है, 29,49,705 रुपीज है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो बहुत ही मतलब अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, एजुकेटेड है, वेल टू डू है, मतलब फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसों की इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन एक लाइफस्टाइल जीने के लिए, एक नेम एंड फेम जीने के लिए, और मैंने भी कुछ मेरे परिवार में कॉन्ट्रीब्यूट किया, मेरी वजह से भी मेरा परिवार वो आज आगे चल रहा है, ऐसा प्रूव करने के लिए पिछले 4 साल से नेटसअप के साथ जुड़े हैं। और आज मई महीने का पे आउट उनका 1,13,000 रुपए है, मतलब मई मंथ 1,13,000 का पे आउट उन्होंने लिया है इन दिस टफ सिचुएशन। तो आज हम नीपाबेन को भी, बहुत सारे ऐसे हाउसवाइफ है जो सिर्फ घर में बैठे रहते हैं क्योंकि घर में सब लोग कमा रहे और सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं, हम अगर कुछ कर सकते हैं जिससे बहुत सारे सोशल लोगों को सोशल बेनिफिट भी अगर हम ले सकते हैं, बहुत सारे लोगों को अच्छा कर सकते हैं जो नीपाबेन ने किया। तो मैं नीपाबेन को यहाँ पे वर्चुअल स्टेज में सम्मानित करना चाहूंगा, बुलाना चाहूंगा और उनको बोलना चाहूंगा कि मैम आप भी हमारे सभी अस्मिताओं को आपके रियल लाइफ स्टोरी से कुछ सीखने को मिले, जानने को मिले वो आप बताओ। नीपाबेन प्लीज वेलकम ऑन टू स्टेज। ओके सर। यस मैम। थैंक यू सो मच केविन सर। मैं विरमगामा नीपा सूरत से बिलोंग करती हूँ। आज सभी अस्मिताओं का इस नेटसअप इवेंट अस्मिता इवेंट में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आज नेटसअप में मेरी सक्सेस स्टोरी की बात आपको बताने जा रही हूँ क्योंकि आज बहुत सारी ऐसी महिला होगी जो मेरी स्टोरी से टच होगी, क्योंकि आज से 4 साल पहले मुझे नेटसअप मिला था 2016 में। मैं खुद हाउसवाइफ थी, मुझे नेटसअप क्या है, बिजनेस क्या है, एलएमएम क्या है, कुछ भी मालूम नहीं था। ओनली फॉर प्रोडक्ट यूज करने के लिए ये ही आई थी। जब मैंने प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया और थोड़ा अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू हुआ, तब जब मेरे सीनियर थे उसने मुझे बताया कि आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो तो उसमें से बहुत अच्छा बिजनेस भी है। तब मैंने बोला कि सॉरी, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है क्योंकि मैं हाउस वाइफ हूँ, जॉइंट फैमिली से बिलोंग कर रही हूँ, तो मेरे पास बिजनेस करने का बिल्कुल टाइम नहीं। तब मुझे मेरे सीनियर ने बताया कि मैं आप एक कैलकुलेशन मैम आपको बताता हूँ कि हर एक आदमी को 24 घंटा सबको भगवान देता है, पर हर एक लोग का 2 घंटा ऐसा होता है कि जो वेस्ट जाता है। तब मैंने मेरा खुद के 2 घंटे का विचार किया कि पूरे दिन में मेरे 2 घंटे कहाँ पे जाते थे। तब मैंने देखा कि 2 घंटे मेरे, 1 घंटा दोपहर को सोने में और 1 घंटा ऐसा था कि जो बिल्कुल मैं टाइम पास गली में करती थी, गप्पे लगाने में करती थी। तो फिर मैंने ऐसे लगा ओके तो फिर मेरे को भी ऐसा लगा कि चलो मैं भी कुछ करती हूँ, इसलिए मैंने स्टार्ट किया। जब स्टार्ट किया तो पहला सबसे मैंने 2-3 जने को बात की, मैंने प्रोडक्ट यूज किया, इसको भी बोला कि आप भी खुद प्रोडक्ट यूज करो। और हुआ ऐसा कि जो 2 जने ने प्रोडक्ट यूज की थी, मैंने जैसे रिपर्चेस किया उसको ऐसे भी रिपर्चेस हुआ, पर मेरे घर 950 का चेक आया। फिर मेरे को मालूम हुआ कि इसमें तो बहुत अच्छा बिजनेस भी है जो मेरे सीनियर ने बताया था। फिर मैंने धीरे धीरे बिजनेस स्टार्ट किया और हुआ ऐसा कि 2016 का मेरा टोटल इनकम आया
77,000, इसलिए कि 77,000 मेरे घर पे आए, तब मुझे लगा कि चलो अच्छा बिजनेस है तो मैं बिजनेस अब स्टार्ट करती हूँ। फिर मेरे सीनियर ने मुझे बताया कि मैं आपको 5 पॉइंट बताता हूँ, वो 5 पॉइंट पे आप अच्छी तरह से काम करोगे तो 100% आप सक्सेस होगे। और वो 5 पॉइंट आज मैं आप सब अस्मिता को बताने वाली हूँ, जो मैं आज नेटसॉफ्ट में सक्सेस हूँ। उसमें से सबसे पहला पहला पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करो तो अपना खुद का शेड्यूल बनाओ, रोज का टाइम मैनेजमेंट करो, क्योंकि हम महिला है, महिला के घर का बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, बच्चों की जिम्मेदारी होती है, हमारे हस्बैंड्स की जिम्मेदारी होती है, हम बिजनेस करते हैं तो हमारे लीडर्स की भी जिम्मेदारी होती है, सबका टाइम मैनेजमेंट हमको करना पड़ता है। इसीलिए सबसे पहले खुद का टाइम शेड्यूल करना बहुत जरूरी है, जो मैंने खुद ने किया। आज भी अभी भी मैं रोज का रोज शेड्यूल बनाती हूँ, मेरा खुद का शेड्यूल रोज का होता है। सबको मेरी डाउनलाइन को पता है कि निपा बेन कितने घंटे बिजनेस को देती है, कितने घंटे बच्चों को देती है, कितने घंटे खुद को देती है। उससे क्या हुआ कि मेरा खुद का टाइम मैनेजमेंट हुआ और आज बहुत ही अच्छा मुझे बिजनेस करने में सपोर्ट मिला है। दूसरा पॉइंट है रेगुलर डे टू डे वर्क। ये हमारा बिजनेस ऐसा है कि हमको रेगुलर कोई भी आप काम करो उसमें आपको रेगुलर रखना बहुत जरूरी। एक दिन आप काम करोगे, एक दिन नहीं करोगे तो जो आपको इनकम आना चाहिए, जो आपको सक्सेस मिलना चाहिए, वो कभी भी नहीं मिलेगा। अभी आप कोई भी जगह पे नौकरी करो तो वहां भी रोज का रोज हमको टाइम देना पड़ता है। तो ये बिजनेस भी हमारा है तो उसमें भी हमको रोज का रोज डे टू डे वर्क करना बहुत ही जरूरी है। तीसरा मेरा पॉइंट है जो सबसे जरूरी है, अपलाइन रिस्पेक्ट। जो मेरे सीनियर ने मुझे ये बताया था कि हाँ, आपने जिसको नेटसब बताया है उस अपलाइन को आप रिस्पेक्ट करो तो ही आप आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि ये क्या है, हमारा बिजनेस कैसा है, पूरा पारदर्शक है। हम जो कर रहे हो हमारे डाउनलाइन भी हमको देख के ही काम करिए। अभी हम अपलाइन को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो वो आपको भी वही करना पड़ेगा। इसलिए बिजनेस करना है तो अपलाइन रिस्पेक्ट करो। हम बिजनेस करते हैं तो अपलाइन चाहे ऐसे लगे कि चलो मेरी अपलाइन है वो अभी इतनी बहुत अच्छे सिस्टम में नहीं है, तो आप उससे ऊपर भी जा सकते हो। अगर आपको ऐसे लगा कि चलो हम कंपनी तो ऐसे बोलती है कि मैनेजर का भी सपोर्ट लेके आप आगे बढ़ सकते हो, तो मैं आप सबको बोलती हूँ कि अभी आपको बिजनेस करना है तो एक आपको गुरु बनाना बहुत जरूरी है, एक अपलाइन रिस्पेक्ट करना बहुत ही जरूरी है हमारे बिजनेस में। ये बहुत ही है क्योंकि आप जो रिस्पेक्ट से और अपलाइन का रिस्पेक्ट लेके बिजनेस करोगे तो आपकी डाउनलाइन भी अभी 2-3 महीने या 1-2 साल बाद आपका जब बिजनेस बड़ा होगा तो आपको वो पहचान करेगी। तीसरा मेरा पॉइंट है, प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी मानो। जो मैंने पहले से ही मानी है, हमारा बिजनेस ऐसा है कि हमारे बिजनेस में कुछ ना कुछ थोड़े बड़े प्रॉब्लम आते हैं, पर कभी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम कभी भी नहीं देखना चाहिए। क्योंकि क्या है कि हम प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मान लेंगे तो वहां पे हम भी डिसअपॉइंटेड हो गए और वहां से आपका बिजनेस डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो मैंने भी अभी की मैं बात करूँ, कोरोना सिचुएशन 2 महीना कितना टफ था। मेरा हस्बैंड जी, मेरे हमारे 2 बिजनेस है वो भी बिल्कुल भी बंद थे, कहां पे भी इनकम नहीं आ रही थी, बहुत सारी नौकरियां बिजनेस सारे बंद हो चुके थे। पर फिर भी मैंने ऐसे किया कि ये हमारा घर पे बिल्कुल इनकम बंद है, फिर भी हमारा एक सोर्सेस है नेटसब, वो हमारे पास है, तो जो डिजिटल सिस्टम थी वो मैंने अपना ली और जूम सिस्टम से मैंने सीखना शुरू कर दिया। कभी मैं भी डिजिटल में नहीं आ रही थी, वो सिस्टम मैंने अपना ली और उसका परिणाम मुझे मिला कि जो कोरोना सिचुएशन था बिल्कुल बिजनेस बंद था। और जो पहला अप्रैल मंथ में मुझे भी इतना अच्छा नहीं आ रहा था, फिर भी मैंने काम शुरू किया। फिर दूसरे अप्रैल मंथ की मेरी खुद की फिर भी मेरी इनकम ही 59,000 और वो डिजिटल वे मैंने बिल्कुल हमारी डाउनलाइन को सिखा दी, मैंने भी सीख ली और उसका परिणाम आज ऐसा आ रहा है कि जो पिछले अप्रैल मंथ का मेरा चेक है, जो मई का आया था 59,000, मई का मंथ है 1,13,000 का मेरा खुद का चेक है। और आज बेनिफिट क्या हुआ कि जो बिजनेस मुझे अकेला में फिजिकल वर्क करके काम कर रही थी, आज 2 अपॉर्चुनिटी मुझको मिल गई, फिजिकल और डिजिटल दोनों से आज मैं सक्सेस हो रही हूँ। तो ये आप मैं सबको बोल रही हूँ कि अभी हमको ये प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं मानना चाहिए, अपॉर्चुनिटी से देख के हमें बिजनेस अभी शुरुआत कर देनी चाहिए। अभी पांचवा और लास्ट मेरा पॉइंट है जो बहुत ही जरूरी है, पॉजिटिव एनर्जी।
हमारे बिजनेस में पॉजिटिव एनर्जी रखनी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बिजनेस हमको पता है कि नेटवर्क बिजनेस के कैसा है कि बहुत सारी ऐसी कंपनी है वो झूठ बोल के बंद हो गई है, उसका थोड़ा थोड़ा हमको भी उसका भुगतना पड़ता है। तो हम किसी को बोलते हैं तो लोग क्या करते हैं, पहले हम बोलते हैं तो तब जल्दी से वो स्वीकार नहीं करते, वो हमको ना बोलते हैं तो हम क्या होते हैं कि हम नेगेटिव हो जाते हैं। पर कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी आप 10 जने को बात करते हो, 10 जने ने ना बोली तो हमको हिम्मत रखनी पड़ेगी कि 11वें जने को हमको बताना पड़ेगा ही पड़ेगा। 100% पॉजिटिव होके हमको काम करना पड़ेगा। तो 100% मैं आपको बोलती हूँ आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। ये 5 मेरे गुरु मंत्र है जो मेरे बिजनेस में, मेरे नेटवर्क में मैंने अपना लिए है। ये 5 ये मंत्र आप सबको मैं बोल रही हूँ कि आप सब करोगे तो 100% इसके आपका भी बेनिफिट होएगा। और मेरा बेनिफिट उसमें क्या हुआ कि जो बिजनेस मेरे को मिला था वो बिजनेस पहले मैं अकेले ही कर रही थी, पर उससे ये अभी इनकम आना शुरू हो गई। तो मेरे हस्बैंड भी मेरे को इतना सपोर्ट देने लगे, उसके साथ साथ मेरे सास ससुर, उसको भी ऐसा लगा कि जो उसका लड़का वो जो बिजनेस से जो जितनी इनकम लिया नहीं रहा था वो मैं उसके ज्यादा उससे ज्यादा मैं इनकम घर में ला रही हूँ। तो उससे फायदा क्या होगी कि हमारे हस्बैंड का, सास ससुर का, बच्चों का, सबका मुझे बेनिफिट मिला और सब लोग मेरे को सपोर्ट करने लगे। इसलिए जो बिजनेस आ रहा था वो 2 गुना आना शुरू हो गया। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि सब हम साथ में मिलके करेंगे तो बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट आएगा। और मैं वो भी बोलती हूँ कि हमको पे आउट मिलता है कंपनी में से, हमको एंजॉयमेंट भी कंपनी देती है। पे आउट तो देती है, साथ साथ में एंजॉयमेंट भी हमको मिलता है। जो मैंने सोचा था कि लाइफ में कभी भी एक बार मैं फॉरेन नहीं जा सकती थी, उससे क्या हुआ कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, पे आउट तो मेरे घर में आना स्टार्ट हो ही गया, पर उससे फायदा हुआ कि मुझे फॉरेन टूर भी कंपनी ने दी, और वो भी एक नहीं 5 फॉरेन टूर, जो दुबई, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया और मालदीव, 5 फॉरेन टूर में मेरे हस्बैंड के साथ जाके आए। वो बहुत ही अच्छा बेनिफिट आज मुझे भी मिला है। तो आज मैं सबको बोल रही हूँ, सब अस्मिता को मैं एक ही कहना चाहती हूँ कि अगर मैं कर सकती हूँ हाउसवाइफ होके भी जो ये काम कर सकती हूँ, तो यहाँ मुझे जो सुनने वाली है सब भी अस्मिता ये सब काम कर सकती है। तो आज नेटसफ में थैंक यू सो मच कि इतना अच्छा मुझे सक्सेस मिला। आज जो अस्मिता सुन रहे सब उसमें से सक्सेस हो, वो ही मैं आपको सबको बोलती हूँ। ओके थैंक यू सर। थैंक यू नीपा बेन। नीपा बेन ने अपना सक्सेस स्टोरी 5 अपने मंत्र से हमें बताया, और उनका जो अभी तक का जर्नी रहा है उसमें उन्होंने आलस नहीं की, लेकिन नेटसफ को एक अपॉर्चुनिटी करके लिया और आज वो कितनी सक्सेसफुल है वो हमें यहाँ पे बताया। तो इनकी स्टोरी से भी हम बहुत सारे हाउसवाइफ एक प्रेरणा ले सकते हैं कि भले सब सिचुएशन अच्छी है लेकिन उसके बावजूद भी अगर इंसान चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी अचीव कर सकता है। अभी मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्पीकर को बुलाना चाहूंगा। नेक्स्ट स्पीकर का नाम है चंदा सोनी मैडम। शी इज फ्रॉम राजस्थान। पिछले 2 साल से नेटसब के साथ जुड़े हैं। मैं अगर उनकी बातचीत करूं तो नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं। हस्बैंड का भी ऑलरेडी एक बिजनेस एस्टेब्लिश था, उसके साथ उन्होंने ये काम चालू किया। हालांकि हस्बैंड ही उनको ये बिजनेस में लेके आए और दोनों ने मिलके काम चालू किया, लेकिन आज ऐसा बोला जाता है कि पूरे राजस्थान के अंदर अगर कोई अस्मिता में सबसे अच्छा काम कर रहा है तो वो चंदा सोनी मैडम है। उनका खुद का पार्लर का बिजनेस था और खुद वो डांस टीचर थी। ये सब चीजें वो कर रही थी, लेकिन नेटसब में ऐसा तो उनको अच्छा क्या लगा कि जिसकी वजह से ये सब छोड़ के आज वो फुल टाइम नेटसब कर रही है, और उनके हस्बैंड भी यहाँ पे हमारे साथ में नेटसब में जुड़े हुए है। तो ये मैडम के पास से उनकी स्टोरी के हिसाब से हम यहाँ पे सुनना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी चीज है जो उनको ये बिजनेस में अट्रैक्ट कर गई और उनका सक्सेस स्टोरी कैसा है। तो मैं यहाँ पे चंदा सोनी मैडम को स्टेज पे, वर्चुअल स्टेज पे आमंत्रित करना चाहूंगा और उनके मुंह से हम सुनेंगे कि एग्जैक्टली नेटसब में उनके स्टोरी में क्या हुआ जिसकी वजह से आज पूरा फैमिली है ये बिजनेस कर रहा है। चंदा सोनी मैडम, प्लीज वेलकम टू वर्चुअल स्टेज। थैंक यू सो मच केविन सर। नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आज के इस प्रोग्राम में मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ।
कहते हैं ना, सारा झगड़ा ही ख्वाहिशों का होता है। ना ही किसी को गम चाहिए होता है और ना ही किसी को कम चाहिए होता है। शायद ऊपर वाले को मुझ पे रहम आया, इसी वजह से मेरी लाइफ में नटसर्फ जो एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के रूप में एक ऐसा चांस मुझे मिला जिसकी वजह से मेरा पूरा जो लाइफ है वो चेंज हो गया। अगर मैं बात करती हूँ कि नटसर्फ मेरी लाइफ में किस तरीके से आया और अब तक मैंने क्या क्या चेंजेस किए और किस तरीके से मैंने मेरी लाइफ को बिल्कुल डिफरेंट ट्रैक पे लेके चली गई, तो मैं बताना चाहूंगी आप लोगों को कि जैसा सर ने अभी बोला कि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों साथ में नटसर्फ करते हैं। स्टार्टिंग में हुआ कि नटसर्फ हस्बैंड ने ज्वाइन किया और उन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स लाके मुझे दिए, जिसमें अगर मैं बात करती हूँ प्रोडक्ट्स की, तो मेरे पास पर्सनल केयर के कुछ प्रोडक्ट्स दिए मुझे एंड हेल्थ के कुछ प्रोडक्ट्स लाके मुझे दिए सर ने। उन प्रोडक्ट्स को मैंने सोचा, स्टार्टिंग में जैसा पार्लर चला रही हूँ तो ऑलरेडी बहुत सारी कंपनीज के प्रोडक्ट्स मेरे पास में आते हैं, हर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स में ऑलरेडी मेरे पार्लर में यूज कर रही थी, तो लगा कि ठीक है इन प्रोडक्ट्स को भी मैं यूज करके देखती हूँ कैसे रिजल्ट्स आते हैं, उसके बाद में हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि सर ने बताया कि मैं ऑलरेडी एक पार्लर रन कर रही थी, एक डांस क्लासेस चला रही थी, स्टिचिंग क्लासेस भी ले रही थी। अगर मैं बात करती हूँ मॉर्निंग टू इवनिंग में फुल टाइम बिजी थी, मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं था। लेकिन हुआ क्या कि प्रोडक्ट्स मुझे मिले तो मैंने भी यूज करना स्टार्ट किए। अगर हेल्थ के प्रोडक्ट्स की मैं बात करती हूँ तो नेचुराम और मैंने खाना स्टार्ट किया, हस्बैंड भी खा रहे थे, सासू माँ को खिलाना भी स्टार्ट किया, और साथ ही साथ जैसा कि मेरा पार्लर है तो मैंने मेरे पार्लर के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स जो मेरे कस्टमर्स थे उनको रेकमेंड करना स्टार्ट किया। अगर बात करती हूँ, हर महिला को प्रॉब्लम होती है, हेयर रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारे कस्टमर्स सामने से आके बोलते थे कि हमें हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, ये वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स बताते थे। तो मैंने स्टार्ट किया कि हमारा जो प्रोडक्ट है हेयर न्यूट्रीमेंट, हेयर ट्रीटमेंट कंप्लीट मैंने लोगों को देना स्टार्ट किया। और स्किन रिगार्डिंग बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स होती है, किसी को पिगमेंट का प्रॉब्लम था, पिंपल्स का प्रॉब्लम था, बहुत सारी इंटरनल लेडीजों को प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि मेरे पास सारी अस्मिताएं आती थी तो उन लोगों को मैंने प्रोडक्ट्स रिटेल करना स्टार्ट किया। तभी भी इतना फोकस नहीं किया था कि हाँ ठीक है, लगा कि मेरे पास एक प्रोडक्ट है जिसको मुझे रिटेल करना है और पैसा कमाना है, इस वजह से दिया। लेकिन क्या हुआ कि लोगों ने उस प्रोडक्ट्स को यूज किया और सामने से डिमांड की, यानी कि अगर सामने से आके कोई बोलता है कि यस आपका प्रोडक्ट जबरदस्त था और वापस डिमांड करता है, तो डेफिनेटली उसके ऊपर बिलीव जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। खुशी मिलने लगी। डेली का अगर मैं बात करती हूँ, 1000-2000 के प्रोडक्ट्स अगर मैं रिटेल कर रही थी तो 300-600 रुपए डेली का मैं नटसर्फ से अर्न करना स्टार्ट कर ली। यानी सिर्फ प्रोडक्ट को मैं माउथ पब्लिसिटी कर रही थी, यानी प्रोडक्ट्स को सिर्फ रिकमेंड कर रही थी। उस वक्त तक भी मैंने कभी सोचा नहीं कि नटसर्फ को मुझे टाइम देना चाहिए या एक्स्ट्रा क्या है नटसर्फ में वो मुझे जानना चाहिए। सिर्फ प्रोडक्ट्स रिकमेंड करते करते अच्छा खासा अर्निंग कर रही थी, डेली घर पे पैसा आ रहा था। मतलब बोलते हैं ना कि एक एक्स्ट्रा इनकम आना स्टार्ट होती है जब बिल में कहीं ना कहीं स्टार्ट होता है कि यार नेक्स्ट क्या है इसमें और क्या मैं यहाँ से अचीव कर सकती हूँ। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि मुझे इसमें क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी है वो मुझे समझना है। तो मेरे हस्बैंड मुझे एक सेमिनार में लेके गए जहाँ पे हमारे राजस्थान के जो OCM है मुकेश सर, उनका एक प्रोग्राम चल रहा था और मैंने उनको सुना। मतलब वो एक घंटा मैंने उनको सुनने के बाद उस दिन मैंने डिसीजन लिया कि यस अब मैं यहाँ पे एज ए नेटवर्किंग में काम करना चाहती हूँ, कि मैं यहाँ पे बहुत सारे में ऐसे ड्रीम्स, जैसा सर हर बार बोल रहे हैं कि बहुत सारी महिलाओं के बहुत सारे ड्रीम्स जो है वो अधूरे रह जाते हैं किसी भी कारणवश, तो मेरे भी सारे बहुत सारे ऐसे ड्रीम्स थे जो मुझे कहीं ना कहीं क्लिक हुए कि यार सिर्फ प्रोडक्ट रिकमेंड करके जब मुझे इतना फायदा हो रहा है तो मैं यहाँ पे मेरे बहुत सारे ऐसे ड्रीम्स है जिनको मैं पूरा कर सकती हूँ। और उस दिन मैंने डिसीजन लिया। और सबसे प्लस पॉइंट मेरे पास ये था कि मुझे लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे पास पार्लर था, डांस क्लासेस था, मतलब लोग मेरे पास ऑलरेडी आते थे। मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट को रिकमेंड करना स्टार्ट किया कि इतना जबरदस्त क्वालिटी वाला प्रोडक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं कि नटसर्फ ने हम लोगों को 24K सोना दिया है, जिसको बताने में शर्म नहीं आनी चाहिए। और मैंने भी वही करना स्टार्ट किया, जिसको जो प्रॉब्लम था उसको वो प्रोडक्ट के बारे में बताया और मुझे वहां से अर्निंग आना स्टार्ट हुई। बहुत सारी महिलाएं जो मेरे पास आती थी उनको मैंने इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया कि आप भी यहाँ से सिर्फ प्रोडक्ट यूज करके अपनी हेल्थ ठीक कर सकते हो, अपना ब्यूटी ठीक कर सकते हो, देन अगर नेक्स्ट में बात करती हूँ कि आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हो, पार्ट टाइम में घर पे बैठ के एक अच्छा काम कर सकते हो। क्योंकि उस वक्त तक मैं भी सिर्फ और सिर्फ पार्लर पे बैठ के लोगों को रेकमेंड कर रही थी, बिजनेस में लेके आ रही थी, प्रोडक्ट रिटेल करके पैसा कमा रही थी। और अगर मैं बात करती हूँ कि मैं ऑलरेडी डांस टीचर थी, जो कहते हैं ना कि एक डिफरेंट लाइफ होती है, मतलब ऐसा है कि अगर मैं मेरे बारे में बात करूं तो बचपन से ही एज ए सेलिब्रिटी क्या होता है उस तरीके की लाइफस्टाइल जीने का मतलब अंदर से शौक था बचपन से ही, उसको पूरा करने में कहीं ना कहीं लगी हुई थी। और कहते ना कि लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो अपने हाथ में नहीं होती है, मुंबई में रहने के बावजूद भी शायद मैंने उन चीजों को मिस किया, लेकिन नटसर्फ एक अपॉर्चुनिटी मुझे मिला जिसकी वजह से मुझे लगा कि नहीं मैं मेरी वो जो जिंदगी है
जो एज अ सेलिब्रिटी वाली जिंदगी है उसको मैं यहाँ से जी सकती हूँ, क्योंकि आज अगर मैं आप सभी लोगों के सामने हूँ तो सिर्फ उसके पीछे एक ही कारण है कि एक ऐसा प्रोडक्ट मुझे मिला जिसका मुझे रिजल्ट मिला और आज मैं आप सभी लोगों के सामने आ पाई हूँ कि एक अच्छे प्रोडक्ट को मैंने रिकमेंड करना स्टार्ट किया। अगर मैं प्रोडक्ट की ही बात करती हूँ तो अपने जो हेल्थ का प्रोडक्ट है, वैसे तो मैंने हर प्रोडक्ट का रिजल्ट दिया है, हर प्रोडक्ट का रिजल्ट मैंने कस्टमर्स को भी दिया है और बहुत सारे रिजल्ट्स मेरे ऐसे हैं जिनको मतलब कैजुअली रिजल्ट क्विक रिजल्ट्स आए हैं। लेकिन एक बच्चे की अगर मैं बात करती हूँ, मेरा एक बेटा है, कहते हैं ना कि अपन पूरी जिंदगी भर अपने बच्चों के लिए ही सब कुछ करते रहते हैं और आजकल के बच्चों को हम लोग जानते हैं कि जब से दुनिया में आते हैं तब से वो दवाई खाना स्टार्ट कर देते हैं कि दवाई के बल पे ही बच्चे जीते हैं। मैंने मेरे बेटे को नेचुरा मोर फॉर किड्स देना स्टार्ट किया, जैसे फूड सप्लीमेंट मैं पी रही थी, मैंने सोचा बच्चे को भी देते हैं, बॉर्नविटा की जगह रिप्लेस करके नेचुरा मोर फॉर किड्स देना स्टार्ट किया। और ये जो प्रोडक्ट है ये मेरे हार्ट के बहुत करीब है, क्योंकि जो बच्चा हर महीने डॉक्टर का विजिट करता था, यानी कि हर महीने डॉक्टर के दर्शन तो हम लोगों को करने ही है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता रहता था। वहीं अगर मैं बात करूं कि 2 साल में मैंने मेरे बेटे को डॉक्टर को पास दर्शन कराने के लिए नहीं गई, यानी मेरा बच्चा जो है कम्प्लीटली डॉक्टर फ्री हो गया है। मतलब इतना जबरदस्त प्रोडक्ट, मैं चाहूंगी कि एक बार दिल से इस प्रोडक्ट के लिए तालियां होनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए मैं दिल से नेटसॉफ्ट को थैंक्स बोलना चाहती हूँ और स्पेशली मेरे हस्बैंड को बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने ये प्रोडक्ट्स लाके मुझे दिए और मैंने इनको यूज किया और इस तरीके के रिजल्ट्स मिले। वो सबसे मेन मेरा बेटा जो है वो डॉक्टर फ्री हो गया है, कि मेरे बेटे को लेके मुझे कोई टेंशन नहीं रहा। अगर मैं बात करती हूँ, देखो एक लाइफस्टाइल जीने के लिए लोगों को, एक अच्छी लाइफ जीने के लोगों को सिर्फ 4 चीजें चाहिए होती है, जो हम लोग स्कूल लाइन से सुनते आ रहे हैं कि एक अच्छी लाइफ जीने के लिए हम लोगों को पैसा चाहिए होता है, साथ में टाइम चाहिए होता है, देन नाम चाहिए होता है जो हर किसी को प्यारा होता है कि यस मेरी एक डिफरेंट पहचान होनी चाहिए, लोग मुझे जानने चाहिए। और अगर बात करते हैं चौथा जो फैक्टर होता है वो होता है सिक्योरिटी, कि हम कुछ ऐसा बिजनेस करें कि हमारे जाने के बाद हमारे बच्चों की लाइफ जो है वो सिक्योर हो जाए। ये सारी चीजें जब मुझे नेटसर्फ पे मिलना स्टार्ट हुई, नेटसर्फ को जब भी जाना तो ये कंप्लीट पैकेज जब मुझे नेटसर्फ पे मिलना स्टार्ट हुआ तो लगा कि यार सारे कामों को मैं साइड में करती हूँ और फुल टाइम सिर्फ और सिर्फ नेटसर्फ को करती हूँ। अगर मैं बात करूँ पिछले 10 महीने पहले मैंने मेरा डांस क्लास जो है वो बिल्कुल क्लोज कर दिया, और अगर पार्लर की बात करती हूँ तो मैं पार्लर को अभी बहुत ही पार्ट टाइम, यानी कि मेरी गर्ल्स है वो पार्लर को रन कर रही हूँ और मैं सिर्फ और सिर्फ फुल टाइम नट सर्फ कर रही हूँ, क्योंकि मेरे जैसी बहुत सारी ऐसी लेडीज है जिनके शायद बहुत सारे ऐसे ड्रीम्स है जिनको वो नट सर्फ के जरिए पूरा कर सकती है, अपने बच्चों की हेल्थ को ठीक कर सकती है, अपने फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकती है, अपने फैमिली को फाइनेंशियली वो सपोर्ट कर सकती है। मैं आप सभी लोगों से बस इतना ही बोलना चाहूंगी, क्योंकि मैं हमेशा हर महिला को बोलती हूँ, जैसा कि यहाँ पे सर ने भी बोला कि महिला क्या क्या करती है और क्या क्या उसमें पोटेंशियल होता है, किस तरीके से वो आगे जाके अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकती है। आप लोगों ने यहाँ पे सुना कि ऑलरेडी जो बिजनेस कर रहे हैं वो किस तरीके से अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं, या फिर एक हाउस वाइफ किस तरीके से अपनी लाइफ को चेंज कर रही है, या फिर आप लोगों ने अभी अनिता मैम को सुना किस तरीके से उनका कंप्लीट फैमिली यहाँ पे सपोर्ट करके उनके साथ काम कर रहा है। सेम उसी तरीके का लॉजिक मेरी लाइफ में भी हुआ कि हस्बैंड ने स्टार्ट किया और मैंने भी उनको सपोर्ट करना स्टार्ट किया, तो बहुत सारे ऐसे ड्रीम्स जो हम दोनों ने मिलके यहाँ पे पूरे किए हैं। अगर बात करते हैं यहाँ पे वॉरंटियर्स भी हम लोगों ने अचीव किए हैं, अगर फाइनेंशियली फ्रीडम की मैं बात करती हूँ तो बहुत अच्छा पैसा, अगर लॉकडाउन की सिचुएशन की अगर मैं बात करती हूँ तो मेरा पे आउट तो आप लोगों ने अभी देखा ही रहेगा, लेकिन अभी कोरोना की वजह से सब लोगों को क्या सिस्टम चल रहा था कि यस इम्यूनिटी पावर जो है उनका अच्छा होना चाहिए, और सब लोगों को पता है मेरे बेटे का सिचुएशन कि वो मेरा बेटा जो है वो 2 साल में किस तरीके से उसका इंक्रीमेंट हो रहा है और वो डॉक्टर फ्री किस तरीके से हो रहा है। तो मैंने ये लॉकडाउन के सिचुएशन में 1 से 1.5 महीने में जबरदस्त प्रोडक्ट सेलिंग किया है। अगर मैं बात करती हूँ तो 1 से 1.5 लाख रुपया मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट को रिकमेंड करके कमाया है। इतना जबरदस्त हम लोगों को कंपनी ने प्रोडक्ट दिया है कि मैं आज लॉकडाउन की सिचुएशन में भी लोगों को रिकमेंड नहीं करके सिर्फ प्रोडक्ट रिटेल करके भी आज घर पे बैठ के मैं बहुत अच्छा पैसा कमा रही हूँ। तो मैं आप सभी लोगों को इतना ही बोलूंगी, जितनी भी महिलाएं आज हमारे साथ में है, कि आप अपनी फैमिली के लिए ऐसा कुछ करिए कि इस बिजनेस को आपने एक्सेप्ट किया है लेकिन इस बिजनेस को दिल से करिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अपन नटसर्फ से ले सकते हैं और अपने बच्चों का फ्यूचर भी यहाँ से सिक्योर कर सकते हैं। हमेशा हर महिला के लिए मैं बोलती हूँ कि स्त्री जो है वो अगर पुरुष के पीछे है तो वो कमजोर नहीं, वो उसका सम्मान करती है, और अगर स्त्री पुरुष के आगे है तो वो अभिमानी नहीं उसकी ढाल बनती है, और अगर स्त्री पुरुष के बराबर है तो जिंदगी जो है वो गुलजार बनती है। मैं आप सभी लोगों से बोलूंगी बस इतना ही कि आप सब लोग अपने हस्बैंड के साथ
कंधे से कंधा मिला के काम कीजिए और अपनी फैमिली को भी इस बिजनेस में इंक्लूड कीजिए, ताकि बहुत जल्दी ही हम लोग बहुत सारे अचीवमेंट्स यहाँ पे ले और अपनी जिंदगी में सारे सपनों को पूरा करते जाएं और हमारा जो काम है वो इजी हो जाए। क्योंकि अगर फैमिली में हमें कोई सपोर्ट करता है तो वो काम जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। जो काम हम अकेले मिलके नहीं कर सकते वो फैमिली के साथ में बहुत अच्छा यहाँ से काम कर सकते हैं। बस इतना ही बोलूंगी कि अगर मैं कर सकती हूँ, हम सारी महिलाएं अगर यहाँ से कर सकते हैं तो आप सब भी लोग बहुत अच्छे से यहाँ पे काम कर सकते हैं। बस मैं चाहूंगी कि नेटवर्क को करो, दिल से करो, ताकि सारे सपने जो है हमारे पूरे हो जाए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम। चंदा मैडम ने हमें बताया कि फैमिली बिजनेस भी हम यहाँ पे अच्छा खासा इन्वॉल्व कर सकते हैं और सब लोग बहुत ही यहाँ पे आगे जा सकते हैं। जैसे उन्होंने अपने अलग अलग बिजनेसेस बताए कि वो करते थे, लेकिन उसमें से नेटसफ के प्रति प्रेरणा कैसे मिली, बहुत ही अच्छा हमें यहाँ पे एग्जांपल यहाँ पे देखने को मिला। अभी मैं यहाँ पे एक ऐसे अस्मिता को यहाँ पे वर्चुअल स्टेज में बुलाना चाहूंगा जिनका नाम है उषा भानुशाली मैडम। ये नेटसफ से ही है, सिर्फ हमारे जोन से नहीं है, लेकिन आज हमने एज ए स्पेशल गेस्ट करके उनको यहाँ पे बुलाया है। एक अपीयरेंस यहाँ पे अलग से हमने उनको दिया है, जिनका अगर मैं बातचीत करूँ तो ये नेटसप के पहले फीमेल करोड़पति है। नेटसप के पहले फीमेल करोड़पति है जिनका टोटल इनकम जो है ये 1,36,91,000 हो चुका है और उनका मे मंथ का पे आउट जो है वो 3,30,000 है। मतलब आप सोच सकते हो कि एक महिला होके उन्होंने नेटसप चालू किया और आज 3.5 लाख रुपए का पे आउट वो मंथली लॉकडाउन के सिचुएशन में ले रहे हैं। तो उषा मैडम को मैं वर्चुअली यहाँ पे स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। उषा मैडम प्लीज वेलकम ऑन टू द स्टेज, वर्चुअल स्टेज। उषा मैडम थैंक यू केविन सर, थैंक यू वेरी मच। यस मैडम, मैं उषा भानुशाली आज सब अस्मिताओं का यहाँ पे स्वागत करती हूँ। दोस्तों वैसे तो गुजराती हूँ, शादी करके गुजरात से मुंबई आई थी। उषा मैडम, यस सर, यस यस यस। पहले हम लोगों का सम्मान आपके हाथ से करना चाहते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, अभी उषा मैडम के हाथ से पहले हम हमारे जितने भी अस्मिता है जो अभी स्पीकर्स आज नहीं है, जो अगले सेशन में स्पीकर्स बनने वाले है, तो उनका मैं यहाँ पे उषा मैडम करना चाहूंगा। उसके बाद हम उषा मैडम का जो स्पीच है वो सुनेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास सूरत से वर्षा बेन नाकरानी है। वर्षा नाकरानी मैडम है जो सूरत से है। कांग्रेचुलेशन वर्षा बेन। यस, उनका मे मंथ का जो पे आउट है वो 24,000 है। वो ऑलरेडी नीपा बेन के टीम से है और गोल्ड क्लब है जो ऑलरेडी नेशनल ओसीएम करके है। तो वर्षा बेन को बहुत ही बहुत कांग्रेचुलेशन फॉर दिस अचीवमेंट। थैंक यू सर, हार्टली कांग्रेचुलेशन वर्षा बेन नकरानी। थैंक यू मैडम। यस 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 यस। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे अहमदाबाद रीजन के एक ओसीएम है छाया बेन पटेल। मैं उनको बहुत करीब से जानता हूँ, कब, क्योंकि जब मैं मैनेजर रहा करता था उस टाइम में छाया मैडम आए थे। उनका प्रोडक्ट से ये बिजनेस में एंट्री हुआ था। उनकी तबीयत बहुत ही उस टाइम में खराब रहती थी, लेकिन नेटसप के नेचरामोर की वजह से आज छाया बेन नेटसप में 33 लाख का इनकम कमा के सीएमडी क्लब तक पहुंचे और मे मंथ का उनका टोटल इनकम छाया मैडम का 49,000 का है। तो छाया मैडम को भी बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन और मैं उषा मैडम को बोलूंगा कि उनको कांग्रेचुलेशन करें। कांग्रेचुलेशन छाया बेन पटेल। थैंक यू। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास राजकोट रीजन से जयश्री बेन पटेल है। उनका घर का भी पोजीशन बहुत ही कमजोर था, वो किराने की शॉप चलाते थे वो और उनके हस्बैंड, और जयश्री बेन ने धीरे धीरे बिजनेस चालू किया। आज राजकोट रीजन से है, 33 लाख का इनकम टोटल उनका हो चुका है। मे मंथ में इतने टफ सिचुएशन में जयश्री बेन ने 1,24,000 का इनकम कमाया है, 1,24,000 का। तो जयश्री बेन को भी नेशनल ओसीएम होने के लिए और हमारे यहाँ पे ये अचीवमेंट करने के लिए बहुत ही बहुत कांग्रेचुलेशन। कांग्रेचुलेशन जयश्री बेन पटेल। यस मैम। उसके बाद हमारे यहाँ पे किंजल मैडम है। आज कोई सिचुएशन से वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं रह चुके हैं, लेकिन ये अगर हम बोलते तो हमारे गुजरात के ऐसा बोल सकते हैं कि
लेडी कमांडो लीडर है, मतलब अहमदाबाद रीजन के है। उनका भी टोटल इनकम 31 लाख तक पहुंच चुका है। वो उषा मैडम की ही टीम से है। उनका मे मंथ का पे आउट ये टफ सिचुएशन में भी 1,06,000 का है। तो किंजल मैडम प्रेजेंट तो नहीं है, लेकिन उषा मैडम उनको डेफिनेटली कांग्रेचुलेशन। यस सर, डेफिनेटली कांग्रेचुलेशन किंजल मैम, वी मिस यू। यस यस, और उनका सीएमडी क्लब है। उसके बाद में यहाँ पे बातचीत करूं तो हमारे एक एरिया है गुजरात में जिसको हम बोलते हैं कच्छ भुज। तो ये भुज से हमारे है पुष्पा बेन प्रजापति, जो राजकोट रीजन से है। मई मंथ का उनका टोटल जो इनकम है वो 36,000 का है। हालांकि वो अभी सिल्वर क्लब ही है, उसके बावजूद भी उनका टोटल इनकम उन्होंने मई मंथ में 36,000 का चेक लिया है और उनका टोटल इनकम 8,79,000 है। तो बहुत ही अच्छा अचीवमेंट शॉर्ट टाइम में पुष्पा मैडम ने किया है। तो पुष्पा मैडम को बहुत ही बहुत कांग्रेचुलेशन। कांग्रेचुलेशन पुष्पा बेन। थैंक यू मैडम। थैंक यू मैडम, फर्स्ट क्लास। उसके बाद हमारे अहमदाबाद रीजन के बहुत ही बड़े लीडर मैं बोल सकता हूँ, जिन्होंने शॉर्ट टाइम में बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, राजेशीबेन तलाटी मैडम। ये अहमदाबाद रीजन से है। उनका मे मंथ का पे आउट ये 2,12,000 रुपए है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और ये एक लोते एक ऐसे अस्मिता है जो सीएमडी प्लस क्लब में है, मतलब जिनका इनकम 50 लाख से ज्यादा है। ये भी उषा मैडम के टीम से ही है। और ये 63 लाख का आज तक का उनका टोटल इनकम है। तो राजेशी मैडम को भी, राजेशी तलाटी मैडम को भी बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। उषा मैडम भी कांग्रेचुलेशन। राजेशी बेन, थैंक यू। उषा बेन, थैंक यू सर। यस वेलकम मैडम। उसके बाद हमारे एक लीडर है अहमदाबाद रीजन से, जिनका नाम है वैशानी बेन पटेल। उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी स्ट्रांग है, उसके बावजूद भी उन्होंने नेटसअप अपनाया और नेटसअप में एक अलग आज हिस्ट्री बना रहे हैं। उनका टोटल इनकम 13 लाख से गोल्ड क्लब तक पहुंचे हैं, लेकिन मई मंथ में भी उन्होंने अच्छा खासा अचीवमेंट किया है। वो भी किंजल मैडम और राजेश मैडम की टीम से है और उनका मई मंथ का टोटल इनकम 39,000 तक पहुंचा है। तो वैशानी मैडम को भी हम यहाँ पे कांग्रेचुलेशन कहना चाहेंगे। कांग्रेचुलेशन वैशानी बेन। थैंक यू सो मच उषा मैडम, थैंक यू सो मच सर। यस, और हमारे सूरत रीजन के बहुत ही होनहार ओसीएम बीनाबेन बल्लर की मैं यहाँ पे बातचीत करना चाहूंगा। वो सूरत रीजन से है। बहुत ही घर के प्रॉब्लम होने के बावजूद, हस्बैंड का भी सपोर्ट नहीं होने के बावजूद, भी उन्होंने नेटसअप कंटिन्यू किया। और आज ऐसा हो चुका है कि उनका एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं है, उसके बावजूद भी आज नेटसअप में वो टिके रहे और नेटसअप में वो ऑलमोस्ट डायरेक्टर क्लब तक पहुंच चुके हैं। मई मंथ का उनका पे आउट है वो 65,000 का आया था। मतलब यहाँ पे बहुत सारी अस्मिता रहेगी जो शायद इतनी एजुकेटेड नहीं है, मतलब उनका बैकग्राउंड भी इतना प्रॉपर नहीं है, तो भी नेटसअप में रहेंगे। तो ये बिना मैडम के एग्जाम्पल से वो सीख सकते हैं कि इतना टफ सिचुएशन में भी बिना मैडम ने काम किया और आज 65,000 का इनकम मई मंथ में लॉकडाउन के सिचुएशन में लिया। तो मैं बिना मैडम को भी बहुत ही अच्छी तरह से कांग्रेचुलेशन यहाँ पे कहना चाहूंगा, बहुत ही दिल से कांग्रेचुलेशन कहना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने एक अच्छा अचीवमेंट किया और हमारे नेशनल ओसीएम में वो इन्वॉल्व है। उषा मैडम, कांग्रेचुलेशन बिना बेन। थैंक यू मैडम, थैंक यू सर। यस कांग्रेचुलेशन मैडम। तो मैं यहाँ पे ज्यादा समय नहीं लेते हुए हमारे उषा मैडम, जो आज पूरे इंडिया में एक अस्मिता का जब नाम आता है तब उषा मैडम का ही नाम आता है, क्योंकि उन्होंने वो अचीवमेंट किया है। आज वो करोड़पति एक अकेले है पूरे अस्मिता क्राउड में। तो मैं उषा मैडम की ऐसी कौन सी जर्नी रही जिसकी वजह से आज वो ये सिचुएशन, मतलब उनके बच्चे बहुत ही एमएनसी कंपनी में काम करते हैं, बहुत ही अच्छी पोजीशन में है, हस्बैंड भी वेल सेटल्ड है, सब कुछ होने के बावजूद भी आज ऐसी कौन सी नेटसअप की चीज उनको प्रेरणा देती है, तो उनके मुंह से आज हम सुनना चाहेंगे। तो उषा मैडम, आप भी हमें थोड़ा अपना शेयर कीजिए कि एग्जैक्टली आप किस वजह से नेटसअप में काम कर रहे हो, तो हमारी जो सामने अस्मिता है उनको भी एक मोटिवेशन मिलेगा। उषा मैडम। यस सर, थैंक यू वेरी मच।
दोस्तों अस्मिता, ये नाम में ही कुछ अलग ताकत है। जैसे एक स्त्री जन्म लेती है तो इसकी एक लड़की है, इसकी बहन है, शादी होने के बाद ये इसकी वाइफ है, बच्चे होने के बाद ये इसकी माँ है। लेकिन दोस्तों एक अस्मिता, एक ये वर्ड कैसा लगता है, कोई महिला है, कोई नारी है, कोई लेडीज है, लेकिन यहाँ पे अस्मिता वर्ड में ही हमारी खुद की अस्मिता छुपी हुई है। और मैं नटसर को थैंक यू बोलना चाहूंगी ये अस्मिता का एक नया नामकरण हमें देने के लिए। सो थैंक यू नटसर। दोस्तों मैं गुजरात से बिलोंग करती हूँ, शादी करके एक ट्रेडिशनल फैमिली में आई मुंबई में, और वैसे बोलते हैं मुंबई सपनों की नगरी होती है। सपने तो बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस फैमिली में थी, हस्बैंड का तो बहुत अच्छा बिजनेस था, लेकिन महिलाओं को घर के बाहर जाने की परमिशन नहीं है, जो भी है घर बैठे करना है। और दोस्तों ऐसी परिस्थिति में 30 साल पहले घर पे बैठ के भला क्या कोई कर सकता है, तो मैंने अपने हॉबी क्लासेस स्टार्ट किए कि वो घर बैठे मैं कर सकती हूँ। लेकिन मेरे क्लासेस इतने फेमस हुए, वैसे में मुझे एक मराठी चैनल से एक इंटरव्यू, लाइव इंटरव्यू के लिए एक कॉल आया, और सब्जेक्ट था कि महिलाएं घर बैठे अपने फ्री टाइम में कैसे पैसे कमा सकते हैं, और उसके ऊपर मेरा एक लाइव इंटरव्यू हुआ था, और उसके बाद में मेरे क्लासेस बहुत चले थे। लेकिन बोलते हैं ना, मनुष्य स्वभाव है, हर बार कुछ तो अलग चाहिए, कुछ तो नया चाहिए। मैं वहां से मुझे एक थॉट प्रोसेस मिला कि सच में महिलाएं क्या घर बैठे कुछ कर सकती हैं, ऐसा एक क्या प्लेटफॉर्म मुझे मिलना चाहिए जिससे मैं लोगों की हेल्प कर सकती हूँ। और मुझे मेरी एक फ्रेंड ने एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बिजनेस के बारे में बताया। मैंने सोचा ये सही है कि हम अपने फ्री टाइम में कर सकते हैं। दोस्तों मैंने वो बिजनेस चालू किया, और वो एक बिजनेस था, वो टपरवेयर था। सबसे पहले मेरी लाइफ की जर्नी, मैंने वो बिजनेस स्टार्ट किया। दोस्तों 6 महीना बिजनेस किया, छोड़ दिया। उसके बाद में स्ट्रेंथ पता चली कि लेडीज लोग फ्री टाइम में कुछ तो कर सकती है। लेकिन एक तलाश थी कोई एक अच्छी कंपनी की, मैं मुझे एक और कंपनी की ऑफर आई, मैंने वहां पे काम किया, 5-6 महीना काम किया, छोड़ दिया। ऐसे करते करते मैंने कम से कम 10-12 अलग अलग कंपनियों में काम किया। क्यों? मुझे कहीं पे तो प्रोडक्ट्स बहुत अच्छा मिलता था, तो प्लान नहीं था अच्छा, प्लान अच्छा है तो प्रोडक्ट्स अच्छा नहीं था, जो एक कॉम्बिनेशन चाहिए वो कहीं पे भी मिल नहीं रहा था। लेकिन एक चीज का तो यकीन हो गया था कि यही एक इंडस्ट्री है जहाँ पे एक अस्मिता, एक नारी अपने फ्री टाइम में कुछ ना कुछ अपना एक सपने पूरे कर सकती है, अपनी एक आइडेंटिटी बना सकती है। क्योंकि दोस्तों मैं जब भी कोई लेडीज को हम नॉर्मली पूछते हैं कि आप क्या करते हो, तो वो बोलती है मैं हाउसवाइफ हूँ। हम हाउसवाइफ सच में है क्या? सुबह उठो, पूरा घर परिवार का काम संभालो, सबका टाइम हम अच्छे से मैनेज करते हैं, सुबह से रात तक पूरा दिन काम करते हैं, फिर भी कई बार हम लोग ये डायलॉग सुनते हैं आप पूरे दिन घर में करते क्या हो। बहुत बार मैंने ऐसा भी सुना है या पढ़ा भी है कि दोस्तों एक लेडी थी, वो एक बिजनेस के लिए ऑफिस में एक जॉब के लिए जाती है, तो उसका बॉस उसको एक सवाल पूछता है जब इंटरव्यू होता है कि आपको ये जॉब क्यों चाहिए। तो उसने एक जवाब दिया कि जब भी अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो हस्बैंड ये बोलते हैं कि तू जा तेरे माँ के घर, यानी मायका। अगर हम मायके में जाते हैं तो वहां पे बोलते हैं तुम्हारा पति का घर ही तुम्हारा घर है, तो इसमें मेरा खुद का क्या है। और दोस्तों ऐसे जब वर्डिंग सुनते थे ना, तो एक सच में चुभता था कि सच में क्या हम हमारी आइडेंटिटी नहीं कर सकते। और मैंने ये कंपनियों की तलाश जारी रखी, लेकिन कहीं पे भी पूरी हुई नहीं, कहीं पे भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। क्योंकि जब इन्वॉल्व होते काम करते थे तो जो बताया जाता था वो सपने अलग ही होते थे, जो अंदर एंट्री लेने के बाद वो पूरा सिचुएशन अलग रहता था। यानी ये होता था कि गाजर दिखाया जाता है लेकिन पूरा होता नहीं है। दोस्तों मुझे लगा यहाँ से कुछ होने वाला है नहीं, मेरे हस्बैंड का बिजनेस मैंने ज्वाइन कर लिया, लेकिन वो भी हस्बैंड का बिजनेस था, उसमें मेरा क्या, मतलब मेरी आइडेंटिटी उसमें क्या। और दोस्तों वैसे में मुझे नेटसर्व की अपॉर्चुनिटी मिली, और यही मेरे लिए एक राइट प्लेटफॉर्म साबित हुआ। क्योंकि जब मैंने कंपेयर किया कि क्योंकि गुजराती है तो ऑलरेडी बिजनेस तो हमारे ब्लड में होता है, काफी सारी कंपनियों का एक्सपीरियंस लेने के बावजूद मैंने कंपेयर किया तो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म मुझे ये लगा। कोई बीवी नहीं है, कोई पीवी नहीं है, कोई कंपल्सन नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, फिर भी डरते डरते काम स्टार्ट किया क्योंकि बिलीव नहीं आ रहा था। और वैसे में एक छोटा सा अचीवमेंट हुआ, और वो अचीवमेंट करने के बाद मैंने देखा, वहां पे मेरा फर्स्ट अचीवमेंट था 2015 में लियोनिया, और दोस्तों वहां पे मैंने देखा कि कंपनी अस्मिता की कितनी केयर करती है। यहाँ का पूरा कल्चर था वो अलग था, उनके लिए सारी फैसिलिटी अलग, उनसे रहना खाना पीना, उनके लिए जो जो फ्रीडम है, एक पूरी एक टेकन केयर, जैसे बोलते हैं ना हमारी फैमिली कितनी केयर लेती है, उससे भी ज्यादा केयर वहां पे ली गई थी। और वहां पे मुझे एक प्रोजेक्ट मिला अस्मिता,
एक अपनी एक खुद की आइडेंटिटी। और दोस्तों यही एक मुझे समझ में आ गया कि यही मेरे लिए लास्ट कंपनी है जहां से मैं सारे सपने पूरे कर सकती हूँ। इसका एक कारण था दोस्तों, अस्मिता बिजनेस के लिए जो जो हमें चाहिए, क्वालिटी, पीपल मैनेजमेंट, वो एक अस्मिता बहुत अच्छे से कर सकती है। क्योंकि शादी करके एक 20-22 साल हम मायके में रह के ससुराल में आते हैं, नए लोगों के साथ हम अपने आप को बरोबर एडजस्ट करते हैं, यानी पीपल मैनेजमेंट ये हमारी खुद की क्वालिटी है। उसके बाद में मनी मैनेजमेंट, हस्बैंड जो भी पैसे देते हैं उसी में हमें घर संभालना है, तो हम अच्छे से मनी मैनेजमेंट भी करते हैं। टाइम मैनेजमेंट, दोस्तों सुबह उठना है, बच्चों की स्कूल है, उनका टिफिन है, हस्बैंड का ऑफिस है, ये सारा टाइम मैनेजमेंट भी हम अच्छे से करते हैं। तो बिजनेस के लिए जो जो क्वालिटी चाहिए वो एक हर अस्मिता में इनबिल्ट होती है, मतलब हमें सीखने की जरूरत नहीं होती है। और यही टूल मेरे लिए साबित हुआ, शायद ये अस्मिता प्रोजेक्ट मेरे लिए ही बना था। और सबसे पहले उसी को फोकस किया मैंने कि हर अस्मिता ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी एक खुद की आइडेंटिटी बना सकती है, एक खुद का एक टाइम, घर परिवार बच्चे सब मैनेज करते करते खुद का टाइम। शायद वो टाइम ये हो सकता है जैसे हिना बेन ने बताया, काफी सारे महिलाओं ने इसके पहले बताया कि हमारा दोपहर का सोने का टाइम होता है या हमारा टीवी देखने का टाइम होता है, वो टाइम को अगर हम यूटिलाइज करते हैं तो सच में हम बहुत अच्छी आइडेंटिटी यहाँ पे बना सकते हैं या हमारे सपने भी साकार कर सकते हैं। दोस्तों अस्मिता प्रोजेक्ट जैसे आया उसी का सहारा लेते लेते मैंने काम चालू किया। स्टार्टिंग किया था मुंबई से, उसके बाद में पूना, गुजरात, आज पूरे गुजरात में, वहां से राजस्थान, आज अगर देखा जाए तो पूरे इंडिया में कोई भी एक ऐसी सिटी नहीं होगी जहां पे ये वाया माध्यम से पूरी टीम वहां तक पहुंची हुई है। और दोस्तों ये सिस्टम की ताकत है, मेरी खुद की कोई ताकत नहीं है, ये है एक जो नेटसर्फ का जो सिस्टम है। अस्मिता प्रोजेक्ट के माध्यम से आज करीब करीब 35,000 से भी ज्यादा एक अस्मिता की टीम है जो 500 रुपए से लेके महीने का 3 लाख रुपया कमा रही है, ये आपने अभी स्क्रीन पे देखा। तो ये दोस्तों ये सिस्टम की ताकत है, वो कंपनी के ऊपर भरोसा रखा, अपने आप पे भरोसा रखा और कंपनी के जो जो भी टूल्स आया है उसको मैं आगे वैसे ही सिस्टम से काम करती गई। दोस्तों उसी में एक और एक प्लेटफॉर्म आया, कंपनी ने एक फास्टैग करके प्रोजेक्ट आया था और वहां पे बताया गया था कि 3 साल में आप 1 करोड़ कमा सकते हो। दोस्तों अभी 45 साल जिंदगी के निकाल दिए, इतने सारे बिजनेस किए, 1 करोड़ तो कभी देखा भी नहीं था, लेकिन यहाँ पे बोलते हैं कि 3 साल में 1 करोड़, सोचा करने में क्या जाता है, वैसे भी तो नुकसान कुछ भी नहीं है। और दोस्तों सही में मेरी अस्मिता टीम का सहारा लेते लेते ये प्रोजेक्ट में काम करती गई और सच में 3 साल में करोड़पति कब बन गई मुझे खुद को भी पता नहीं चला, यानी ये 1 करोड़पति का ऑनर तो मिला, उसी के साथ साथ सारे सपने पूरे हुए। क्या क्या सपने पूरे किए दोस्तों, मेरे दोनों बच्चों का US में हायर एजुकेशन हुआ, दोनों का ग्रैंड वेडिंग किया और अभी मैंने खुद का 1.25 करोड़ का अहमदाबाद में बंगलो लिया है। तो ये सारे सपने तो पूरे हुए ही हुए, एक लग्जरी लाइफस्टाइल मिली लेकिन एक आइडेंटिटी मिली। शायद मैं कोई और भी बिजनेस करती थी तो वहां पे भी शायद मैं मेहनत ज्यादा करती थी तो 1 करोड़ कमा सकती थी, लेकिन जो रिस्पेक्ट, जो नाम, जो नेटसर्फ से मिला वो दुनिया की कोई कंपनी की ताकत नहीं है। दोस्तों आज मैं नेटसर्फ है वो दिल से करती हूँ, एक बोलते हैं ना खून के कण कण में एक नेटसर्फ है, क्यों? क्योंकि नेटसर्फ को हम एक परिवार के जैसे काम करते हैं। आज अगर मैं देखूं तो अहमदाबाद में मायका है लेकिन ये अस्मिता की टीम होने की वजह से मायके में जाने नहीं मिलता है, लेकिन टीम हम एक परिवार की तरह रहते हैं तो टीम इतना प्यार करती है कि कोई 1 महीना भी मिस हुआ तो ऐसा लगता है कि शायद अभी मायके गए नहीं है तो जाना पड़ेगा। तो ये एक ताकत है दोस्तों, एक स्त्री अगर वो ठान लेना तो बहुत कुछ कर सकती है। क्योंकि ये नेटसर्फ जैसा प्लेटफॉर्म दोस्तों बहुत सारी कंपनियां की, इसलिए मैं कंपेयर कर पाई कि इंडिया की बात छोड़ो, पूरे वर्ल्ड में नेटसर्फ जैसी कंपनी, इथिकल कंपनी आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। आज मैं गर्व के साथ बोलती हूँ कि नेटसर्फ दुनिया का सबसे आसान बिजनेस है और नेटसर्फ दुनिया का सबसे अच्छा बिजनेस है। एक बार आके तो देखो, मैंने अगर मेरे सारे सपने पूरे किए, मैं अगर कर सकती हूँ, मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है, खाली 11th एजुकेशन है वो भी गुजराती मीडियम की पढ़ी हुई हूँ, इसके बाद में एज अभी 50+ है, अगर ये एज में मैं कर सकती हूँ तो आप हर कोई कर सकते हो। दोस्तों ये नेटसर्फ का स्लोगन है, लोगों के घर में अच्छी सेहत, अच्छी बरकत और अच्छी मुस्कुराहट देते देते हमारा अपने आप सब अच्छा हो जाता है। तो दोस्तों अगर मैं कर सकती हूँ, आपने अभी देखी इतनी सारी महिलाएं कर सकती हैं, तो आप भी कर सकती हैं। थैंक यू नेटसर्फ। थैंक यू मैडम। तो आज हमने यहाँ पे देखा ये प्रोग्राम के माध्यम से
कि अगर हर ये महिला कर सकती है, सब लोग कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं। मतलब मेरा आपको आज के प्रोग्राम के अंत में इतना ही कहना है कि ये सभी महिलाओं ने कुछ तो अचीवमेंट किया है, ये सभी महिलाओं ने कुछ तो हटके किया है। कोई है वो परिवार के अगेंस्ट में जाके किया है, या परिवार के सपोर्ट से किया है, या कुछ भी किया है, लेकिन आज उनका करियर जो है वो सेटल है। करियर जो है वो ऐसा है कि जहाँ पे वो अपने दिल की सुन रहे हैं और एक इंडिपेंडेंट लाइफ जी रहे। तो आज के प्रोग्राम में एक ही में आप सब लोगों को, आप जिनके भी थ्रू आए हो, जिनके भी साथ आए हो, नेटसब बिजनेस ये कैसी अपॉर्चुनिटी है, ये कैसे किया जाए, उसके बारे में आप बातचीत करो, डिटेल में बातचीत करो, जितना भी इंफॉर्मेशन लेना चाहिए उनके पास लो। लेकिन एक बार ये बिजनेस को अच्छे तरीके से स्टार्ट करो, दिल से करो, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे सक्सेस मिलेगा। आज के ये सभी हमारे स्पीकर्स को धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छा यहाँ पे स्टोरी सबको बताया, जिसकी वजह से आज बहुत सारी महिलाएं यहाँ पे प्रेरित हुई है। तो मैं आप सब लोगों को बस वही कहना चाहूंगा, नेटसब को स्टार्ट तो हुआ ही है, लेकिन उसको स्पीड में स्टार्ट करो, और उसके लिए आपको जिसकी भी हेल्प लेनी चाहिए आपके अपलाइन में, आपके जो भी कंसर्न पर्सन है उससे मिलिए और आप आगे बढ़िए। विशिंग यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग इन दिस सेशन। अच्छे ताना मतलब में यहाँ पे लोग आए और बहुत ही अच्छा सब लोगों ने ध्यान दे के सुना, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आज का ये मीटिंग हमारा यहाँ पे खत्म हो रहा है। थैंक यू।